चलिए, जैसे कि पता है आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर यानी पहला सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता होगी। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है? जैसे आप कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मतलब होता है कि जो डीसी वोल्ट से चलती, चिप लेवल पर काम करती है, ठीक है। उसके कुछ आधारभूत चीज़ों को हमको जानना है। फंडामेंटल्स का मतलब ही होता है कि आधारभूत चीज़ों को हमको जानना है। उसी के अंतर्गत हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कंप्यूटर में, बेसिक रूप से इनपुट से लेकर लास्ट तक, यानी कि उसकी सिक्योरिटी तक हम कंप्लीट रूप से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करें तो एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के आधार पर काम करती है। इनपुट का मतलब क्या होता है? जो कि यूज़र के द्वारा दिया जाता है। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। और आउटपुट का मतलब जो होता है वो कंप्यूटर जो परिणाम हमको प्रदान करता है उसे बोलते हैं आउटपुट। यानी इनपुट जो ग्रहण करेगा यानी कि वो एक्सेप्ट करेगा, कौन देगा? यूज़र देगा। प्रोसेस कौन करेगा? सीपीयू करेगा। और आउटपुट कौन देगा? आउटपुट डिवाइस देगी। तो ऐसी डिवाइस जो आईपीओ टेक्नोलॉजी के अनुसार या आईपीओ टेक्निक के अनुसार काम करती है उसे बोलते हैं कंप्यूटर, जो कि एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और बिना यूज़र के ये काम नहीं करती। ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है, सभी को पता है ना। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमको ये देख लिया हमने, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इसमें तीन मुख्य एलिमेंट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक यूज़र होता है। तो हार्डवेयर ऐसी चीज़ों को बोलते हैं हम, ये चीज़ आपको पता होगी। हार्डवेयर मतलब जो चीज़ें हम छू सकते हैं, जैसे कि मान लो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, मॉनिटर है, सारी चीज़ों को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी डिवाइस को क्या बोला जाता है? हार्डवेयर। और यहाँ पे यूज़र होता है। यूज़र का मतलब आप समझ जाइए हम खुद, यानी कि आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ या अन्य कोई हो सकते हैं। तो यूज़र मतलब होता है जो व्यक्ति चलाता है। अब वो चलाएगा कैसे? मशीन में तो वो टच नहीं कर सकता, यानी मशीन को आप चलाओगे तो मशीन कैसे काम करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। तो यहाँ पे हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए कुछ प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जिन्हें हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इनको पहले इसमें इंस्टॉल किया जाता है और उसके बाद यूज़र इससे कॉन्टैक्ट करके यहाँ हार्डवेयर को मेंटेन कर सकता है। यानी कि डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। यानी डायरेक्ट हार्डवेयर से हम कम्युनिकेशन कर पाते क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हम किसके माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं? हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो हम सिंपल बोल सकते हैं हार्डवेयर और यूज़र के मध्य कम्युनिकेशन कौन कराएगा? सॉफ्टवेयर कराएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर कंप्यूटर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर हमको दिख रहा है, एक मॉनिटर होता है, ठीक है, ये स्पीकर्स होते हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और सीपीयू होता है। बाकी अन्य चीज़ें हमारी जो होती है सेकेंडरी होती है। यानी कि प्राइमरी में हमारा क्या हो जाता है? इनपुट के अंतर्गत कीबोर्ड माउस आ जाएगा, प्रोसेसिंग में आपका सीपीयू यानी कि कैबिनेट आ जाएगा और आउटपुट में आपका मॉनिटर आ जाएगा। ये तीन मुख्य चीज़ें हमको देखने को मिलती है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये तीन मुख्य चीज़ें हमको देखने को मिलती है, उसके बाद ही बाकी चीज़ें जो होती है हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार, यानी कि जब जब हमको ज़रूरत पड़ते जाती है तब तब हम उनका उपयोग करते जाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ मुख्य रूप से हमने देखे थे इनपुट किसके माध्यम से देंगे? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। इनपुट डिवाइस वह कहलाती जिसके माध्यम से यूज़र कुछ कंप्यूटर को बताता है, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, माइक है, वेब कैमरा है, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। और प्रोसेस डिवाइस किसको बोलेंगे? जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देश। अब निर्देश कैसे रहते हैं? निर्देश को हम बोल सकते हैं डाटा। अब डाटा मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल। यानी कि आप कोई चीज़ का मतलब, जैसे मशीन है, मशीन में आप कोई चीज़ डालते हो उसको बनाने के लिए, तो बनाने के पहले रॉ मटेरियल, उसके बाद बनने के बाद वो हमारा ओरिजिनल कहलाता है, यानी कि जो बना हुआ कंप्लीट। तो यहाँ पे मशीन यानी कि इनपुट देते समय हमारे पास जो रहता है वो डाटा, प्रोसेस किया जाता है डाटा को इन्फॉर्मेशन में। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है हमको? आउटपुट। आउटपुट मतलब होता है मॉनिटर या प्रिंटर। इसके अलावा बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमको प्रोसेसिंग में सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मिलता है, और या फिर उसको प्रोसेसर बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर एक मुख्य रूप से अगर डेफिनेशन पूछे कंप्यूटर क्या है तो आपको बताना है कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है? डेटा को इनपुट के रूप में लेती है यूज़र के द्वारा, और डेटा को इनपुट के रूप में लेने के बाद प्रोसेसिंग करती है, और सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात रिजल्ट, यानी कि हमको किसके माध्यम से रिजल्ट मिलेगा? आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। ये चीज़ आपको पता होगी। अब आउटपुट डिवाइस सबसे मुख्य डिवाइस होती है मॉनिटर। मॉनिटर के माध्यम से हमको डिस्प्ले होता है, और डिस्प्ले को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्ले को हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, चीज़ पता होगी। और यही डेटा हमको कहाँ पे मिलता है? यदि हम ये डेटा को प्रिंटर में प्राप्त करते हैं, प्रिंटर में जो प्राप्त होती है वो हो कहलाती है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है? यानी कि पेपर में स्याही के माध्यम से प्रिंट होकर हमको मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे इसके अलावा हम देखिए इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं कंप्यूटर में। डेटा की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। डेटा को फ्यूचर के लिए स्टोर करें हैं तो सिंपल सी बात, वापस भी लाना पड़ेगा, यानी कि इसको रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि डेटा प्रोसेसिंग भी होती है, डेटा स्टोर भी होता है, डेटा को वापस भी लिया जा सकता है, ठीक है।
इसके अलावा इसमें हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे काम होते हैं, हम नॉर्मली बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, ईमेल काम कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, गेम बना सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो एम्प्लॉय का डाटा हम मेंटेन कर सकते हैं, जैसे स्प्रेडशीट बनाना, प्रेजेंटेशन का मतलब आप समझते होंगे PPT, यानी कि जिसमें मैं पढ़ा रहूँगा अभी, वो भी एक प्रकार का क्या है, प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन बनाने का काम भी किस में किया जा रहा है, इसमें मतलब हमारा जो कंप्यूटर है उसमें। वीडियो एडिटिंग का काम, जैसे कि आप मेरे वीडियो देख पाते तो एडिटिंग किस में होगी, कंप्यूटर में होगी, ठीक है। साथ ही कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखें तो ये नॉर्मल है, ऐसे कि विधि का विधान नहीं है कि यही होगा। तो सी देखो, कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूट से बना है, कंप्यूट से बना, और कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। और हर एक कंप्यूट के कैरेक्टर को तोड़े तो यहाँ पर कंप्यूट के कैरेक्टर को सी मतलब कैलकुलेशन, उसके बाद ओ मतलब ऑपरेटिव मैकेनिक्स, उसके बाद प्रोसेसिंग है, यूजफुल है, थिसारस है और एक्सटेंसिव है। तो इन सभी काम को मिलाकर क्या बनता है, कंप्यूट बनता है। और कंप्यूट से क्या बना है, कंप्यूटर। इसका मतलब ये सारे काम कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम है, इसको समझते हैं। जैसे आपको एग्ज़ाम में आता है, तो एग्ज़ाम में आता है तो आपको इस प्रकार के चौकोन बॉक्स रेक्टेंगल फॉर्म में ही बनाना है, ठीक है। जैसे इनपुट पूछा, मतलब यहाँ इनपुट आपको समझाना था, आप नॉर्मली क्या बता दोगे, कीबोर्ड बता दोगे, ठीक है। उसके बाद आप माउस बता दोगे, जॉयस्टिक है यहाँ पर कुछ एग्जांपल। उसके बाद इनपुट से डाटा कहाँ जाता है, मेमोरी में, तो मेमोरी में किसके माध्यम से जाएगा, ये एनकोडर के माध्यम से जाएगा। किसके माध्यम से जाएगा, एनकोडर। एनकोडर क्या होता है, जो हमारी भाषा होती है उसको मशीन भाषा में बदलेगा, ठीक है। मतलब ये हो गई कंप्यूटर, मतलब ये हो गया हमारा कंप्यूटर, और कंप्यूटर हमेशा समझता है 0-1, और ये हो गया इंसान। इंसान ने जब निर्देश दिया तो हमारी भाषा जो नहीं समझ सकता उसको हम कैसे समझाएंगे, ये चीज़ तो आपको पता होगी। मतलब बीच में कोई ना कोई मीडिएटर लगेगा, जब कोई ना कोई मीडिएटर लगेगा तो उसी मीडिएटर को हम क्या बोलते हैं, एनकोडर। अब ये डाटा यहाँ चला गया, प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के पश्चात यहाँ भी प्राप्त करने वाला यूज़र बैठा है, तो यूज़र भी फिर से देखे, कंप्यूटर की भाषा हम नहीं समझ सकते तो हम कौन सी भाषा समझेंगे, हम समझेंगे हमारी भाषा। तो एक और होता है सिस्टम जिसे बोलते हैं डिकोडर, तो डिकोडर क्या करता है, इस भाषा को यानी 0-1 जो भाषा है हमारी भाषा में बदलेगा। तो डिकोडर कहाँ यूज़ होगा, डिकोडर आपको पता है यहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ यूज़ होगा ना, देखिए इनकोडर इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट दिए, कहाँ गया, कंप्यूटर में, कंप्यूटर मेमोरी में जाता है, और किसके माध्यम से जाता है, इनकोडर उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर भाषा में। अब मेमोरी से कंट्रोल यूनिट एक एक करके उठाएगा, प्रोसेसिंग करेगा ALU के माध्यम से। ध्यान रखिए, कंट्रोल यूनिट कभी भी प्रोसेसिंग मतलब कभी भी आपका स्टोर नहीं करेगा, ना ही प्रोसेसिंग करेगा, वो सिर्फ नियंत्रण रखने का काम करते हैं। कंप्यूटर में क्या चल रहा है, जैसे आप देखें एक टीम लीडर आप रख देते हो तो मॉनिटरिंग बस करता है वो, बाकी काम कौन करता है, टीम करती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमारा कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंप्यूटर के सारे कार्यक्रम को नियंत्रित करने का काम करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, ये जैसे बड़ा छोटा कंपैरिजन या फिर प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सारे काम कौन करता है, ALU करता है। और वापस किसको देता है, कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट देती है वापस किसको, आउटपुट को। अब मेमोरी में जाएगा ना फिर से, तो यहाँ आउटपुट रूप में प्रदान होगा, तो आउटपुट के लिए प्रदान होने से पहले 0-1 से हमारी भाषा में कन्वर्ट होगा, तो कौन करेगा, डिकोडर, और डिकोडर करेगा हमारी भाषा में, और हमारी भाषा में करने के पश्चात वो कहाँ पे देगा हमको आउटपुट, या तो मॉनिटर में देगा या तो हमको प्रिंटर में देगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। चलिए आगे चलते हैं हम, इसका और विस्तारित यानी कि आपके समझने के लिए है, इसको आप जो है डायग्राम फॉर्म में कैसे बनाओगे, जब आप एग्ज़ाम में बनाओगे तो आपको कैसे बनाना है, एग्ज़ाम में बनाते समय आपको इस प्रकार का ही डायग्राम बनाना है, बाकी इन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइस है तो इनमें से आप नाम लिख सकते हो, फिर बीच में आपको पता है इनकोडर आता है, फिर वो रैम में स्टोर करता है सारे निर्देशों को। कैश मेमोरी होती है, CPU और रैम के बीच में एक मेमोरी होती है जो कि फास्ट मेमोरी कहलाती है, कैश मेमोरी रैम से फास्ट होती है। फिर एक CU होता है, कंट्रोल यूनिट के पास, और ALU के पास अपनी खुद की मेमोरी होती है जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर, क्या बोलते हैं, रजिस्टर। और रजिस्टर एक प्रकार की बफर मेमोरी यानी प्रोसेसिंग के पश्चात जहाँ डाटा स्टोर होता है उसे बोलते हैं रजिस्टर। और रैम से डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए मेमोरी लगती है जिसे बोलते हैं कैश, और सारे इंस्ट्रक्शन जहाँ स्टोर होते हैं आकर वो कहलाती रैम। इसके बाद कंट्रोल यूनिट नियंत्रण करता, प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेसिंग के पश्चात कहाँ दिखता हमको, आउटपुट, आउटपुट के माध्यम से देखने के लिए हमको डिकोडर लगता है। डिकोडर क्या करता है, कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में बदलेगा, तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया या अन्य डिवाइस हो गई। अब डाटा को भविष्य के लिए सेव करना, तो कंट्रोल यूनिट फिर से उसको सेव कहाँ करता है, सेकेंडरी डिवाइस में। सेकेंडरी डिवाइस उन डिवाइस को बोला जाता है जो कि डाटा को परमानेंट स्टोर करती है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क हो सकता है, या अन्य जितनी भी डिस्क आपको दिख रही है, आप बहुत सारी यहाँ उपयोग भी करे होंगे, जैसे पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, इसके बाद CD है, DVD है, इन सबको आपने उपयोग करा होगा।
तो ये डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं। इस डायग्राम को आप इस फॉर्मेट में बनाओगे, कैसे, ये जो दिख रहा है आपको इस फॉर्मेट में बनाना है आपको डायग्राम को जब आप मेन एग्ज़ाम देने जाओगे। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये प्रोसेस, ये अगर कंप्यूटर पूछा तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना के बता सकते हैं। अगर ब्लॉक डायग्राम पूछा है, मान लो आपको ये जो है ये क्या है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, ये इसको हम बोलेंगे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ये जो चित्र आपको दिख रहा है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। यदि एग्जाम में आता तो सारे एलिमेंट को आपको इस प्रकार डायग्राम बनाकर बताना है और एक एक करके सबको समझाना है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हार्डवेयर जो होते हैं, जो छू सकते, देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉनिटर है, सीपीयू। और सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कौन करते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे सबसे मुख्य सॉफ्टवेयर होता है OS, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम कंप्यूटर को चालू कर पाते हैं, और चालू करते हैं तो बाकी काम भी कर लेगा। बाकी काम कौन करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS Excel, MS Word है, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, पेज मेकर, इन सबको हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। आगे देखिए, कुछ उपयोग पूछा है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के अनुप्रयोग या कंप्यूटर के एप्लीकेशंस क्या क्या है वो बताइए, तो आपको बताना है घरों में कंप्यूटर उपयोग होता है कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है। किचन में उपयोग होता है, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मतलब देखिए, अब वॉशिंग मशीन, फ्रिज तो आप किचन में उपयोग करते हैं, वॉशिंग मशीन घर में उपयोग कर सकते हैं, और रोबोट वाली जो है सर्वेंट आ गया है, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें जैसे घर में आप मनोरंजन के लिए उपयोग कर रहे हैं, नेट बैंकिंग के लिए, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये घर में उपयोग के लिए आप बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए आप एक बार PDF पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ भी लिया होगा आपने पहले से। इसके बाद है कंप्यूटर एजुकेशन के क्षेत्र में, यानी कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उपयोग होगा। तो देखिए, कंप्यूटर को अगर सीखना है तो भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, कंप्यूटर एज अ टीचर के रूप में काम करता है। देखिए, आप सभी के पास मोबाइल है, मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, तो उस मोबाइल के माध्यम से आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं बताइए मुझे। देखिए, ठीक है, पढ़ पा रहा है तो इसका मतलब है वो टीचर का काम कर रहा है। हालांकि पढ़ा मैं रहूं, परंतु आप मोबाइल से पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद है, कोई प्रॉब्लम आ गई है सॉल्व करना है तो हम ओके गूगल बोल के सॉल्व करा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं कंप्यूटर इन ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन के समय, यानी कि अगर किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेना है या फिर आपको वनडे एग्ज़ाम देने जाना है तो वहाँ भी आपको कंप्यूटर लगता है, ठीक है। तो यहाँ सभी जगह हम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। अगर मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन में आपको पता होगा गेम्स खेलने के लिए आप कंप्यूटर उपयोग करते हैं, मूवी के लिए, म्यूज़िक के लिए, आर्ट के लिए, इनको अपनी भाषा में आप लिख सकते हो, ठीक है, जब लिखने की बात आए तो। इसके बाद देखिए, साइंटिफिक रिसर्च में वेदर फोरकास्टिंग, मौसम जानने के लिए, सिमुलेशन टेक्निक के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, तो ये सब इसके उपयोग हो गए। साथ ही इंटरनेट में, इंटरनेट के लिए भी इसका उपयोग होता है, और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो ये तो एक ओवरव्यू बताया मैंने, ये सब जानते होंगे आप। चलिए अब जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएँ, कंप्यूटर के फीचर्स, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स या कंप्यूटर की विशेषता। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आए तो आपको इन सभी पॉइंट्स को समझाना है क्या क्या हो सकते हैं। मिलियन बिलियन जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कुछ ही क्षणों में क्या होता है, कंप्यूटर उसको सॉल्व कर देता है। इसका मतलब इसकी स्पीड काफ़ी ख़तरनाक, यानी काफ़ी तेज है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो भी प्रोसेसिंग होगी, जो भी काम होगा वो एक्यूरेट होगा, यानी कि सही होगा, ये भी पता आपको। डेलीजेंस, यानी कि सिंपल सी बात, हम कोई काम करने दिए तो वो रेगुलर उसको करते जाएगा। अब अगर इसकी बात करें इंसान की, तो इंसान को कुछ काम दिया जाता है, थोड़ी देर बाद वो थक जाता है या फिर आलस से उसको आ जाता है, पर आपने कंप्यूटर के साथ ऐसी चीज़ें नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो ये कर्मठ होता है, यानी इंटेलिजेंस होता है। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है, वर्सेटिलिटी का क्या होती है, वर्सेटिलिटी का मतलब होता है हर जगह उपलब्ध। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वर्सेटाइल भी है। रिलायबल है, भरोसेमंद, यानी कि इसमें जो काम किया जा रहा है, इसमें जो डाटा स्टोर है वो रिलायबल है, भरोसेमंद है कंप्यूटर, ठीक है, गलत नहीं देगा। अब आप बोलोगे कभी कभी आंसर गलत आ जाता है, एरर क्यों आती, यूज़र की गलती से आती, यूज़र गलत है इसका मतलब कंप्यूटर गलत है, तो कंप्यूटर खुद से गलत नहीं होगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी, लगातार 24 घंटे काम करने बोल दो, लगातार करते रहेगा, थकेगा नहीं, ठीक है। इसमें मेमोरी कैपेसिटी होती है, स्टोर कर सकता है, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, याद करने की क्षमता भी होती है। अगर कोई टास्क हम दे दें सिक्वेंस में 10 टास्क, तो याद रखता है वो सिक्वेंस में, ठीक है। ऑटोमेशन होता है, यानी कि हम एक बार इंस्ट्रक्शन दे दें, ऑटोमेटिक सारी प्रोसेसिंग खुद ब खुद चलती है और आउटपुट भी हमको खुद ब खुद आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है
ये सारी चीज़ें जो होती है ऑटोमेटिक होती है। तो ये जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, या फिर जहाँ भी जिसको नहीं मिली है वो टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ कमियाँ भी है, कमियाँ मतलब भाई कोई भी चीज़ हो दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष मतलब आप समझ सकते हैं। अगर लाभ है तो उसकी हानि भी होगी, ठीक है, लाभ है तो हानि भी होगी, तो इसकी कुछ कमियां हैं। जैसे लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि सोचने समझने की क्षमता, इसमें बुद्धि नहीं है, ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। इसके अलावा अनेबल इन सेल्फ प्रोटेक्शन, मान लो किसी व्यक्ति को कोई मारने आया तो वो बच जाता है, बचा लेता अपने आप को, पर कंप्यूटर को आप मारने जाओगे तो वो बचेगा क्या? नहीं, उसमें आग लगेगी या विस्फोट होगा, कुछ भी होगा, तो अपने आप को नहीं बचा सकता। दूसरी चीज़ लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, जिस प्रकार इंसान ले सकता वैसे ये खुद से डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये चीज़ें आपको किसमें देखने को मिलती है? कंप्यूटर में। कमी यानी कि लिमिटेशंस, सीमाएं, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं इसकी पीढ़ी। पीढ़ी मतलब होता है जनरेशन, ठीक है। अब जनरेशन मतलब हम भी इंसान कब बने हैं? देखिए, हम सबसे शुरुआत में हमारी जो जो पीढ़ी हुआ करती थी वो मंकी हुआ करते थे। मंकी से धीरे 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 दो पेड़ों से नीचे उतर कर आए, फिर दो पैरों से चलना शुरू करे, और धीरे धीरे हम जो है एक इंसान के रूप में बने हैं। इसका मतलब हमारी भी जनरेशन हुई है। तो या फिर मतलब एक प्रकार से बोले तो हमारी जनरेशन कैसे हुई है? बदलते रहे धीरे धीरे, मतलब पैर से नीचे आए दूसरी जनरेशन, फिर दो पैर में चलना शुरू किया दूसरी, उसके बाद दूसरी जनरेशन। उसी प्रकार कंप्यूटर को भी जनरेशन में बांटा गया। कैसे? जैसे कोई टेक्नोलॉजी हमने उपयोग करे तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इसका मतलब जनरेशन चेंज हो रही है। तो ऐसी जनरेशन जब चेंज हुई तो टोटल मिलाकर पांच जनरेशन बनी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो इन सभी जनरेशन को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे यहाँ बेसिक रूप से इसको जान लीजिए आप, ये अगर जान लिया आपने तो समझ लीजिए आप जो है जनरेशन को लिख पाएंगे अपनी भाषा में, ठीक है। बाकी पीडीएफ में तो आप पढ़ ही लोगे, एक बार मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका, ठीक। तो लगभग अगर बोले 40 से 56 के बीच में, लगभग, लगभग का मतलब समझ जाइए आपकी, बढ़ भी सकता घट भी सकता, कोई बुक में चेंज हो सकता कोई बुक में चेंज हो सकता है। तो ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ यही होगा। तो फर्स्ट जनरेशन 40 से 56 के बीच में रही, सेकंड आपकी 56 से 63 के बीच में, थर्ड आपकी 63 से 71 के बीच में, फोर्थ रही 71 से 80 के बीच में, और फिफ्थ रही 80 से अभी वर्तमान, यानी कि अभी जो जनरेशन चल रही वो आपकी कौन सी है? वो फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन देखने को मिलेगी। इसके बाद अब आपको पता होगा कि जनरेशन चेंज हुई है तो कोई ना कोई कारण तो होगा। जी हाँ, कोई ना कोई कारण मतलब ये वाला कारण रहा कि जो डिवाइस है, टेक्नोलॉजी है, डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, ये चेंज हुई है। अगर ये डिवाइस चेंज हो जाती तो जनरेशन चेंज हो जाती है। तो इस डिवाइस को बोला जाता था वैक्यूम ट्यूब, यानी कि पहली जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी उपयोग हुई उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी उपयोग हुई उसका नाम था ट्रांजिस्टर, फिर तीसरी में उपयोग हुई आईसी, चौथे में इसका बड़ा रूप आया बीएलएसआई, पांचवें में यूएलएसआई यानी कि और अपग्रेड कर दिया गया। जब वैक्यूम ट्यूब आया तो इसको इस जनरेशन में मुख्य रूप से कहाँ से यूज़ हुई? फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब एक प्रकार से श्रेय रहा है जेपी एकार्ट और जेडब्ल्यू मुचली का। और यहाँ पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था इनपुट के रूप में, स्टोरेज जो थी काफ़ी लो थी, ठीक है। इसके बाद ट्रांजिस्टर की अगर बात करें तो इसमें देखिए ट्रांजिस्टर उपयोग हुआ कहाँ पे? वैक्यूम ट्यूब के बदले में, यानी ट्रांजिस्टर कब आया? जब वैक्यूम ट्यूब को बदला गया, यानी कि वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करना काफ़ी कठिन रहा होगा, तो यहाँ पे क्या बनाया गया? ट्रांजिस्टर। और किसने बनाया? विलियम सॉकली ने। और यहाँ पे मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड उपयोग होने लगा, ठीक है, इनपुट के रूप में। तीसरे में आए आईसी। आईसी का अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी सिलिकॉन की बनी थी, और इसमें लार्ज कैपेसिटी की डिस्क स्टोरेज के लिए उपयोग होने लगी, और मैग्नेटिक टेप, और इसको बनाने का श्रेय जाता है जैक किल्बी को। आईसी को किसने बनाया? जैक किल्बी ने। फिर आईसी अपग्रेड हो गई बीएलएसआई में, और यहाँ मैग्नेटिक टेप और पोर्टेबल फ्लॉपी उपयोग होने लगी। यूएलएसआई यहाँ माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता था, इसको बीएलएसआई को ही माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता था। इसलिए चौथी जनरेशन से माइक्रो कंप्यूटर का विकास चालू हो गया था। आगे हम कंप्यूटर के प्रकार भी पढ़ेंगे। तो यूएलएसआई यानी कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड लार्ज कैपेसिटी की डिस्क यहाँ उपयोग होने लगी, रेड है, ऑप्टिकल डिस्क है, पोर्टेबल फ्लॉपी है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलने लगी। अब थोड़ी थोड़ी आपको विशेषताएं जानना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में अगर पूछा जाता तो वहाँ पे आप लिख सको। तो पहली जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था, कौन सी लैंग्वेज? मशीन। और सेकंड में आप समझ सकते हैं थोड़ी आगे मतलब अपग्रेड हो गई तो असेंबली लैंग्वेज आ गई, थर्ड में आपका मशीन आ गई, ठीक है, मतलब एक प्रकार से मशीन नहीं, यहाँ पे थर्ड में आपकी कौन सी आ गई? हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। और उसके बाद यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज आ गई, और फिफ्थ जनरेशन में आपकी अभी वर्तमान में हम समझ रहे हैं ना कि कंप्यूटर को हम अपने अनुसार बनाना चाहते हैं, यानी कि जैसे हम समझ पा रहे हैं वैसे हम कंप्यूटर को भी बताना चाहते हैं, तो वैसी प्रोसेस चल रही है, उसे बोलते हैं एआई। तो एआई वाली भाषा यहाँ पाँचवें में उपयोग होने लगी।
अब देखिए, पहली जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी कॉस्टली थे, काफ़ी बड़े थे, काफ़ी ज़्यादा बिजली खपत करते थे, काफ़ी हीटिंग होती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं होता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, पर ना के बराबर था। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लीजिए, एनीएक है, एडवेक है, यूनिबैक है, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सेकंड में आए तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तो था, काफ़ी फास्ट हो गए, स्मॉल हो गए, मतलब पहली जनरेशन की अपेक्षा थोड़े छोटे हो गए और रिलायबल हो गए काफ़ी, मतलब एक प्रकार से बिजली कम लगने लगी, कम जगह में वो रखे जा सकते थे, तो ये सारी चीज़ देखने को मिली। असेंबली लैंग्वेज यहाँ यूज़ होती थी। उसके बाद आप देख सकते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज़ होने लगा, थर्ड में, और यहाँ पे देखिए माइक्रो नैनो चीज़ों में यहाँ पे सेकंड में यहाँ प्रोसेसिंग होने लगी, काफ़ी आसानी से अपडेट होने लगे कंप्यूटर, और पोर्टेबल टाइप के भी इसी स्थिति में आ चुके थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए चौथे में मल्टी प्रोसेसिंग जीयूआई बेस्ड यानी कि विंडोज़ का यूज़ यहाँ होने लगा चौथे से। उसके बाद आपको देखिए स्मॉल हो गए, अफोर्डेबल हो गए, इजी टू यूज़ हो गए, विंडोज़ यूज़ होने लगा, लैन यूज़ होने लगा, लोकल एरिया नेटवर्क आगे पढ़ेंगे, WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ होने लगा। इसके कुछ एग्जांपल आप देखते चलिए, सेकंड के IBM है ना, जो थर्ड है उसके IBM 360, PDP हो गया, PDP-8 हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ में आ गया, काफ़ी पावरफुल हो गए, रिलायबल हो गए, इजी टू यूज़ हो गए, पोर्टेबल, रैपिड सॉफ्टवेयर यहाँ देखने को मिला, ईमेल है, इंटरनेट है, WWAI, ये सारी चीज़ें फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं फिफ्थ में। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, IBM पेंटियम और परम सुपर कंप्यूटर यहाँ पांचवे में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ जनरेशन हमने देखे हैं ओवरव्यू। अब आपको अगर इनकी डिटेल पढ़ना है तो आप PDF में आपको मिल जाएगी, एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या जो सारी चीज़ है वो हो सकती है। ठीक है, मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट बता दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी पांच जनरेशन है, पांचों जनरेशन में टेक्नोलॉजी चेंज हुई, इसलिए जनरेशन चेंज हुई। अगर टेक्नोलॉजी एक ही होती तो जनरेशन भी आपकी एक ही होती। ठीक है, चलिए फर्स्ट जनरेशन में यहाँ आप देख सकते हैं, ये सिर्फ मैं दिखा देता हूँ, आपको मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, इसके अलावा देखिए आप पंच कार्ड के बारे में अगर मैं बताऊँ तो पंच कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ, देखिए ये जो डिवाइस है ये पंच कार्ड कहलाती है। इसके अलावा सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर थोड़े छोटे हो गए थे, थर्ड में अगर देखें तो थर्ड में देखिए IC का उपयोग होने लगा और कंप्यूटर और छोटे हो गए। फोर्थ में देखिए प्रोसेसर का यूज़ होने लगा, कंप्यूटर पोर्टेबल टाइप की स्थिति में आ गए। उसके बाद फिफ्थ में AI पर फोकस, और अभी वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर हम खरीदते हैं या फिर परचेस करते हैं, यूज़ करते हैं, वो सब किस में आते हैं, फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे हम। इसके अलावा हमको और कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कंप्यूटर के इतिहास की बात करें तो इतिहास में हम देखेंगे कंप्यूटर शुरुआत से कब बना और अभी तक कौन कौन सी डिवाइसेस बन चुकी है, तो एक ओवरव्यू इसका भी देख लेते हैं। चलिए, सबसे शुरुआत में जो डिवाइस बनी थी उसका नाम था अबेकस। अबेकस का पूरा नाम याद रखिए, अबेंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और अबेकस में जो होते हैं दो डेक होते हैं, एक अपर डेक होता है, एक लोअर डेक होता है, जिसमें बीट्स होती है। देखिए जो छोटी छोटी माला में रहती है ना, उसी प्रकार इसमें बीट्स होती है। ठीक है, और बीट्स किस में रहती है, ये रॉड्स में रहती है। ठीक, फ्रेम कहलाता पूरा कंप्लीट हॉरिजॉन्टल बार में। चलिए आगे चलते हैं। इसके इन्वेंटर चाइना में डेवलप हुआ था, ये आपको याद रखना, 1602 के आसपास। ठीक, गणना करने के लिए यूज़ होता था। उसके बाद है नेपियर बोन्स है, इसका मतलब भी जोड़ घटाना गुणा था। ये देखिए नेपियर बोन्स, आप एक झलक बद देख लीजिए नेपियर बोन्स, और जॉन नेपियर के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं एक बार। पास्कलाइन डिवाइस बनी थी, जैसे ओडोमीटर होता है वर्तमान में, उसी प्रकार पास्कलाइन डिवाइस बनी थी, यानी कि आज का अपग्रेडेड वर्जन ओडोमीटर होता है। ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया था 1642 में, प्लस और माइनस के लिए उपयोग होती थी। उसके बाद है देखिए ओडोमीटर का दूसरा चित्र आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो लेबनिज कैलकुलेटर बना था, देखिए लेबनिज कैलकुलेटर, और यहाँ गॉटफ्राइड विलहेम लेबनिज के द्वारा इसको बनाया गया था 1671 में, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यानी चारों कैलकुलेशन ये करती थी। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे, ये है लेबनिज कैलकुलेटर। फिर है डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन बनाने का श्रेय जाता है चार्ल्स बेबेज को, हालांकि ये फेल हो गया था, 1822 में बना। ठीक है, भाप से चलता था, फिर फेल होने के बाद उन्होंने एक नया आविष्कार किया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिताजी इनको बोला जाता है, 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया। पर ये गणना तो करता था, परंतु इसमें प्रोग्रामिंग करना, मतलब प्रोग्रामिंग करेंगे तभी काम करेगा, तो ये एक प्रकार से फेल होता। परंतु एक लेडी थी, लेडी का नाम आप देख सकते हैं यहाँ, देखिए ये सुंदर सी लेडी, इनका नाम था लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, इन्होंने पहली प्रोग्रामिंग की और इन्हीं के नाम पर जो है एडा नाम रखा गया, पहली प्रोग्रामिंग, मतलब पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इनको मतलब एक प्रकार से एनालिटिकल इंजन में पहली प्रोग्रामिंग इन्होंने की, इसलिए पहली प्रोग्रामर भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टेबुलेटिंग मशीन जो था USA में जनगणना के लिए काम करने के लिए इसका डेवलप किया गया था हरमन होलोरिथ के द्वारा, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, 1890 में इन्होंने बनाया। ठीक है,
आगे चलिए पंच कार्ड इनपुट डिवाइस के लिए उपयोग होता था, ये चीज़ हमने पहले भी देख लिए। उसके बाद एबीसी, एक प्रोफेसर थे एटानासोफ और बेरी उनका स्टूडेंट था, दोनों ने मिलकर एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एबीसी, और 1942 में इसकी इन्होंने डेवलप किया था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये चीज़ आप ध्यान रखिए। मार्क वन की बात करें तो देखिए हार्वर्ड आइकॉन ने इसको बनाया था, IBM और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मिलकर। प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, और दूसरे युद्ध में जो है इसका उपयोग किया गया था। वर्ल्ड वार सेकेंड आप समझ सकते हैं, वर्ल्ड वार सेकेंड मतलब आप 1939 से 45 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। फिर है ENIAC, ENIAC का फुल फॉर्म आपको याद रखना, कहीं जगह पूछ भी लिया जाता है ENIAC, मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। आविष्कारक थे जॉन मुचली और JP एकार्ट, और 1946 में बनाया था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ये, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यानी प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ADSEC की। ADSEC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर, 1949 में बना था, मॉरिस बिल्केस एवं उनके साथी ने मिलकर, और यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था या कैलकुलेटर था जो कि स्टोरेज कैपेसिटी रखता था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद है ADVAC की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, 1950 से बना, इसका बनाने का काम भी जॉन मुचली और JP एकार्ट के द्वारा किया गया, और ये दूसरा था जो स्टोरेज कैपेसिटी देने का काम करता था। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब समझ रहे हैं, जिसमें भविष्य के लिए डाटा स्टोर किया जा सकता है। चलिए ENIAC का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, 1951 में बना, जॉन मुचली और JP एकार्ट के द्वारा बनाया गया। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था कौन सा, ENIAC, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है जैकवार्ड लूम था, कपड़ा बुनने वाली मशीन, जोसेफ जैकवार्ड ने इसको बनाया था, ये भी आपको याद रखना, 1801 में बनाया था। तो ये हमने टोटल इतिहास जाने यहाँ पे, इतिहास मतलब हमारा जो कंप्यूटर का इतिहास है, कौन कौन सी चीज़ें कब कब बनी है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगर आपको सेपरेट कोई क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का 4 का तो आप इसको समझा सकते हैं। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार। चलिए कंप्यूटर के प्रकार देखते हैं। कंप्यूटर के प्रकार में ऐसा आ सकता है कि मिनी कंप्यूटर को समझाइए, माइक्रो को समझाइए, ठीक है, या फिर अन्य कोई ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार से आ सकते हैं। तो हम सभी के बारे में एक ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि आप उनको समझा सकें, ठीक है। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, तो कैटेगरी के अनुसार, जैसे कि अगर बात करें हम तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, यानी कि उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो कंप्यूटर के प्रकार हो सकते हैं। दूसरे, हम कंप्यूटर को अलग अलग उद्देश्य में उपयोग करते हैं, जैसे घर में उपयोग कर रहा है सामान्य उद्देश्य, पर जो साइंटिस्ट उपयोग कर रहा है वो स्पेशल उद्देश्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है अलग अलग उद्देश्य में कंप्यूटर। उसके बाद है बेस्ड ऑन साइज, यानी कि कंप्यूटर छोटे से लेकर, जैसे मान लीजिए स्मार्ट बैंड यानी कि एक डिजिटल वॉच से लेकर बड़े बड़े आकार के कंप्यूटर देखने को मिलते हैं, तो उनको बोलते हैं साइज के आकार से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी हम कंप्यूटर देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको देखें तो यहाँ देखिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से एनालॉग मतलब जो कि सिग्नल्स पे काम करते हैं, कौन से, एनालॉग सिग्नल पे। अब एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं वो नहीं पता आपको, तो इस प्रकार से जो सिग्नल चलते हैं उसको एनालॉग सिग्नल, और डिजिटल सिग्नल का मतलब होता है जो इस प्रकार से चलते हैं 0 और 1 के हिसाब से। तो डिजिटल सिग्नल आप उदाहरण के रूप में देखेंगे अभी आगे, तो हम एग्जाम्पल भी उसके देख लेंगे कि कौन कौन से डिजिटल सिग्नल मतलब डिजिटल सिग्नल के अनुसार काम करते हैं और कौन कौन से एनालॉग के अनुसार काम करते हैं। अब दोनों की जो विशेषताएं प्लस कर दिया जाए तो वो बन जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, बस इतना याद रखना है। एनालॉग मतलब जो सिग्नल्स पे काम करते हैं एनालॉग पे, और जो डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर। फिर कुछ होते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे माइक्रो में आपके पर्सनल कंप्यूटर सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर है वो सारे आपके पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आ जाएंगे, जैसे कि आप बात करें लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पॉम टॉप है, आपका मोबाइल है, ये सब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर थोड़े ज़्यादा कैपेसिटी वाले, मेन फ्रेम और ज़्यादा कैपेसिटी वाले, और सुपर कंप्यूटर आप जानते होंगे और सबसे अधिक कैपेसिटी वाले, ठीक है। इसके बाद उद्देश्य के अनुसार कुछ जनरल पर्पस, यानी कि हम घरों में जो उपयोग करते हैं, ऑफिस में जो उपयोग करते हैं, या फिर हमारे पर्सनल यूज़ के लिए उपयोग करते हैं, उन्हें बोलते हैं जनरल पर्पस। और जो स्पेशल पर्पस, स्पेशल मतलब जैसे मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल को मेंटेन करने के लिए इंदौर में एक रोबोट लगाया गया है, ये चीज़ आपको पता रही है ना, पता भी होगी, तो स्पेशल काम कर रहा है वो, उसमें हम लेटर टाइप कर सकते हैं क्या, नहीं, गेम खेल सकते हैं क्या, नहीं, तो वो स्पेशल काम कर रहा है ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्लासिफिकेशन। कुछ एक और क्लासिफिकेशन मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, तो यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में 3 कैटेगरी हमने देखे थे, एक तो एनालॉग, ठीक है,
चलिए यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देखें वर्किंग टेक्नोलॉजी के अनुसार एनालॉग सिग्नल पे जो काम करते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल पे जो काम करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड पे जो काम करते हैं वो कौन से होते हैं एनालॉग और डिजिटल, दोनों पे जो काम करते हैं वो कहलाएंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। पर ज़्यादातर हमको डिजिटल कंप्यूटर अभी वर्तमान में देखने को मिलते हैं, क्यों? क्योंकि 01 जो है 01 के अकॉर्डिंग ही सारी डिवाइसेस काम करती है वर्तमान में। तो डिजिटल में दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी कौन कौन सी, एक तो होती है बेस्ड ऑन साइज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस और दूसरी है ऑन बेसिस पर्पस। तो पर्पस में जनरल पर्पस मैंने बता दिया, स्पेशल भी बता दिया। बेस्ड ऑन कैपेसिटी में एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर हम जानेंगे, एम्बेडेड का मतलब होता है जिसमें डेडिकेटेड रूप से प्रोसेसिंग चिप लगी होती है, जैसे कि डिजिटल घड़ी है, माइक्रोवेव है, टीवी है, फ्रिज है, इन सभी टेक्नोलॉजी को बोला जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, कुछ होते हैं माइक्रो, माइक्रो मतलब मैंने बताया पीडीए यानी टैबलेट टाइप की डिवाइस आती है, टैबलेट आप सभी जानते हैं। पीडीए को आप मोबाइल के रूप में या टैबलेट के रूप में ले सकते हैं, लैपटॉप और नोटबुक हो सकता है, फिर उसके बाद डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है और क्रोमबुक हो सकता है। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। एनालॉग कंप्यूटर जैसे कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है, इस एनालॉग सिग्नल पर जो काम करेगी, जैसे कि देखिए जो ऑडोमीटर है वो काम करता है, ये देखिए पारा, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं दाब ताप और लंबाई और के अनुसार जो काम करते हैं, दाब ताप लंबाई पारा के अनुसार जो काम करते हैं वो कहलाते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर। जैसे कि स्पीडोमीटर है, घड़ी है, मरकरी है, थर्मामीटर है, वोल्ट मीटर है, एमीमीटर है, भूकंप सूचक यंत्र, ये सारी चीज़ें जो कहलाती है क्या कहलाती है एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद डिजिटल की अगर बात करें जो 0 और 1 ऑन ऑफ के अनुसार काम करते हैं, जैसे कि अभी के वर्तमान कंप्यूटर क्या है डिजिटल कंप्यूटर, जैसे कि लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन, टेबल, टैबलेट है, ये सब क्या है डिजिटल कंप्यूटर। अब एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला दिया जाए, यानी कि एनालॉग के भी फीचर्स और डिजिटल के भी फीचर्स दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाते हैं हाइब्रिड, यानी कि मिक्सचर करके दोनों का जो फीचर्स आ जाएगा, जैसे कि आपने ईसीजी मशीन या फिर हॉस्पिटल में आपने इस प्रकार की डिवाइस देखे होंगे जिसमें देखिए पल्स भी चल रही है और यहाँ 97, 93 इस प्रकार की चीज़ें लिखी होती है, तो जो लिखा है वो कहलाएगा डिजिटल, जो पल्स चल रही है वो कहलाएगा एनालॉग। इसका मतलब ये डिवाइस क्या होगी हाइब्रिड होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी हाइब्रिड। तो कैसे हाइब्रिड आप देख सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं हाइब्रिड के, जैसे कि अस्पताल में ECG मशीन होती है, ठीक है, सोनार होता है, ठीक, साउंड नेविगेशन रेंजिंग के लिए रडार होता है, फॉरेंसिक रिसर्च होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, पेट्रोल पंप में जो उपयोग होता है कंप्यूटर वो भी आपका हाइब्रिड होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से थोड़े कम और मिनी कंप्यूटर से थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी जो रखते हैं वो कहलाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनका उपयोग सर्वर के लिए उपयोग होता है, सर्वर आप जानते होंगे जहाँ हमारा डाटा स्टोर होता है ऑनलाइन कहीं पे भी, वेबसाइट वगैरह या जो भी, उसे बोलते हैं सर्वर। तो ये काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मतलब व्यावसायिक उपक्रमों में इनका उपयोग होता है, ठीक है, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में इसका उपयोग होगा, एयरलाइन रिजर्वेशन में इसका उपयोग होगा, इसके अलावा आप बिजनेस में, बैंक में या ये जो सभी क्षेत्र है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका उपयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम से थोड़ी कम क्षमता और माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी अधिक क्षमता जिनकी होती है उन्हें बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। ठीक है, और इसका एग्जांपल आप देख लीजिए PDP-8 जो था मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, काफ़ी मतलब हमारे पर्सनल कंप्यूटर से काफ़ी महंगे होते हैं और जो मेन फ्रेम या जो भी कंप्यूटर हमारे मेन फ्रेम पड़े उससे थोड़े कम होते हैं। ठीक है, छोटे सस्ते या फिर हम खरीद सकते हैं इतने होते हैं। ठीक, इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ देखिए छोटी संस्था, छोटे व्यापार, सामान्य कार, बिलिंग, अकाउंटिंग, मनोरंजन, इन्वेंट्री, इन कामों के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे हम एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम। एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम मैंने बताया है जिसमें ऑपरेटिंग मतलब जिसमें चिप खुद में रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ देखिए डिजिटल जो वॉच है, मोबाइल है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, ट्रेन में देख सकते हैं, टेलीफोन में, कार में, रोबोट में, कैमरा में, मॉडेम में, देखिए MRI मशीन में, रोबोट में, ये सब क्या है, ये सब एम्बेडेड कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि उसमें खुद में प्रोसेसिंग चिप इनबिल्ट होती है। ठीक है, कंप्यूटर होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर के उदाहरण भी आप देख सकते हैं, ATM है, ATM मतलब जैसे आप ATM उपयोग करते हो तो वो उसमें क्या है कंप्यूटर रहता है, पर हम कंप्यूटर के तरीके से उपयोग ना करके उसको सिर्फ डेडिकेटेड रूप से उपयोग करते हैं कि सिर्फ ATM का काम करता है, वो पैसा विड्रॉल करने का काम करता है, स्टेटमेंट देखने का काम करता है या जो भी आप कर सकते हैं उससे। TV आप देखते हैं, एंड्रॉयड TV आ गई है तो उसमें भी इनबिल्ट चिप होती है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, डिश वॉशर है, इसके अलावा फ्रिज है, एयरबैग कंट्रोल सिस्टम है जो कि कार में उपयोग होता है, लिफ्ट है, ये सब क्या है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे एम्बेडेड कंप्यूटर। चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद सुपर कंप्यूटर आप सभी जानते होंगे, सुपर मतलब नाम से सुपर है, सुपर से मतलब एक प्रकार से हाई क्वालिटी का जो कंप्यूटर है जिसका यूज़ किया जाता है कोई विशिष्ट काम के लिए, जैसे मौसम विज्ञान की जानकारी, रॉकेट लॉन्चिंग में, मिसाइल लॉन्चिंग में, उपग्रह के लिए, सैटेलाइट के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो पहला सुपर कंप्यूटर बनाने का श्रेय जाता है सैमुअल क्रे को। सैमुअल क्रे ये अमेरिका के है और इन्होंने 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, हज़ारों गुना अधिक काम करते हैं नॉर्मल कंप्यूटर से, इनको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ देखिए मल्टी यूज़र हो सकते हैं, बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, ये चीज़ तो आप पढ़ लोगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसकी स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लॉप्स है ना, और एक पेटा फ्लॉप का मतलब होता है 10^17 फ्लॉप, ये देख सकते हैं पेटा फ्लॉप मतलब एक फ्लॉप में इसकी गणना की जाती है। आगे चलते हैं, मौसम की भविष्यवाणी में सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है, परमाणु अनुसंधान में, सेना में, एजेंसी में, कोई स्पेशल एजेंसी है वैज्ञानिक अनुसंधान में, प्रयोगशाला की बात करें तेल एवं गैस में, एयरोस्पेस में, इनका इसका उपयोग किया जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, जैसे वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर देखें तो 1976 में क्रे रिसर्च सेंटर में बनाया था, क्रेवन सैमुअल क्रे के द्वारा, और वर्ल्ड का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर फुगाको जो कि जापान के द्वारा बनाया गया है एक प्रकार से 2020 में, ठीक है, रिकेन और ये जो वैज्ञानिक का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम था, परम के बाद अगर देखें तो इसके कुछ वर्जन है, परम 8000, उसके बाद परम सिद्धि, परम शक्ति, सीडेक के द्वारा बनाया गया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक का हेडक्वार्टर कहाँ है आप बताइए मुझे, ठीक है, 1991 में इसको बनाया गया था और ये कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं सुपर कंप्यूटर के भारत में, विजय पांडुरंग भाटकर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा है जो कि भारत के अंतर्गत 2022 में IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा इसको बनाया गया है। इसके पहले मिहिर और प्रत्युष बनाया गया था, मिहिर बनाया गया था जिसे नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नोएडा के द्वारा, और प्रत्युष बनाया गया था IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा। फिर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड 2016 में चाइनीज जो सुपर कंप्यूटर था सनबे तियाउ लाइट, उसके बाद USA का सुपर कंप्यूटर टाइटन, आगे हम देखें तो चाइना का सुपर कंप्यूटर तियानो ये 2 है, सऊदी अरेबिया में साइन सेकेंड है, अनुपम भारत में बार्क के द्वारा बनाया गया, भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते पेस है, उसके बाद विरगो है, और सिद्धार्थ वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इंडिया 1986 में पहला कंप्यूटर बनाया गया था भारत के द्वारा सिद्धार्थ नाम से, ठीक है। चलिए अब जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो मतलब नाम से स्पष्ट है, माइक्रो मतलब छोटा, और छोटे से मतलब नहीं होता, उसमें माइक्रो प्रोसेसर उपयोग हुआ था इसलिए उसका नाम था माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में हम देख सकते हैं, देखिए मोबाइल है, टीवी है, मतलब मोबाइल टैबलेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सभी डिवाइसेस आ जाती है इसलिए इसको बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर। सिंगल यूज़र रहता है, मल्टीटास्किंग है, मल्टीपर्पस है, आकार में छोटा है, उपयोग में आसान है, सस्ता है, पोर्टेबल है, इसका मतलब हम सभी खरीद सकते हैं, और ख़रीदने की क्या बात है, हम उपयोग कर रहे हैं जैसे कि लैपटॉप सभी उपयोग कर रहे हैं लगभग, डेस्कटॉप है, पॉम टॉप हाथ में रखकर चलाते हैं, लैपटॉप गोदी में रखकर चलाते हैं, ठीक है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, ये सभी हमारे पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं यानी माइक्रो कंप्यूटर। घरों में इसका उपयोग होता है, बिजनेस में, एजुकेशन में, ऑफिस में, रेस्टोरेंट में, ये सब देख सकते हैं आप। आगे देखिए टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर है, और 1974 में पहला देखिए अल्टेयर नाम से जो है पहला माइक्रो कंप्यूटर विकसित किया गया था, ठीक, और इसका नाम PC-80 कर दिया गया बाद में, PC-80 मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी। चलिए आगे जानते हैं और इसको आप एक बार पढ़ लेना। वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो होते हैं देखिए लाइन से ऐसे होते हैं, ठीक है, और बिजनेस के लिए इनका उपयोग होता है, गेमिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, भवन निर्माण और ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। आगे चलो लैपटॉप कंप्यूटर आप सभी जानते होंगे, ठीक है, हाँ, मतलब गोदी में रखकर जो चलाया जा सकते हैं वो लैपटॉप कंप्यूटर, एक ही जगह सारी चीज़ें फिट रहती है इसके लिए इसका नाम है, मतलब छोटा हो जाता है, पोर्टेबल, नोटबुक भी इसको बोला जाता है, ठीक। आगे चलें देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है पढ़ लेना आप। टैबलेट आप मोबाइल का थोड़ा बड़ा भाई देख सकते हैं जो कि मतलब मनोरंजन के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा या डे प्लानर, इंटरनेट, इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। PDA जो होती है इस प्रकार की डिवाइस है, पुराने समय में नोकिया के मोबाइल आते थे उसी प्रकार PDA यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, इसका उपयोग कर सकते हैं हम जैसे मोबाइल का उपयोग करते हैं। स्मार्टफोन आप सभी उपयोग करते हैं, इसको एक बार पढ़ लेना आप। क्रोमबुक का मतलब होता है क्रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है इसलिए इसको क्रोमबुक बोलते हैं, अगर इसमें मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता तो मैकबुक बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर क्रोमबुक आप समझ सकते हैं। सस्ते होते काफ़ी, टैबलेट से थोड़े बड़े होते हैं।
जनरल पर्पस कंप्यूटर हमने देखे थे, सामान्य उद्देश्य जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन, ये सब क्या कहलाते हैं? जनरल पर्पस, यानी कि हमारे पर्सनल काम के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ स्पेशल पर्पस होते हैं जैसे सुपर कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम है, एम्बेडेड है, मिनी है, ये सब क्या कहलाते हैं? स्पेशल, यानी कि किसी विशिष्ट काम को करने के लिए इन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है डेडिकेटेड रूप से। नैनो कंप्यूटर, नेक्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए। अभी ये कंप्यूटर नहीं है पर नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, ठीक है, नैनो कंप्यूटर इनको बोलते हैं। कौन इनके देखिए पिताजी कौन है नैनो कंप्यूटर के, ये आप पढ़ लेना एक बार। उसके बाद आप डीएनए कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, बायो कंप्यूटर इन्हें बोला जाता है, ठीक है। साथ ही यहाँ केमिकल कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, रासायनिक कंप्यूटर, रासायनिक गणना जो करते हैं। आगे चलें तो क्वांटम कंप्यूटर है, दिमाग के अनुसार गणना करते हैं, हमारा मस्तिष्क काम करता है उसी प्रकार ये भी काम करते हैं, ठीक है। चलिए कंप्यूटर के प्रकार हमने देखे हैं, आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ, ओवरव्यू मैंने बताया हूँ, आप एक बार पीडीएफ से पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। एग्जाम में जाने से पहले आप पीडीएफ ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी की। हम याद रख सकते हैं हमारे दिमाग में, उसी प्रकार कंप्यूटर भी याद रख सकता है। जैसे हमारी याददाश्त होती कि नहीं? याददाश्त, ठीक है, याददाश्त होती है, तो हमारी याददाश्त होती है उसी प्रकार कंप्यूटर की भी याददाश्त होती है, उसे कंप्यूटर की मेमोरी बोलते हैं। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं हम यहाँ याद रखते हैं, कंप्यूटर इन चिप में याद रखता है। ये जो चिप दिख रही है, देखिए ये चिप है, यहाँ आप देखिए प्लेटर्स दिख रही है, इसमें याद रखता है कंप्यूटर। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कंप्यूटर भी याद रखता है। कंप्यूटर याद रखता है इसका मतलब क्या है? उसकी मेमोरी कहलाती है, ठीक है। चलिए यहाँ मेमोरी के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। और आप देखिए दो कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे, इंसान का दिमाग है एक तरफ, दूसरी तरफ कंप्यूटर है। पहले इंसान का दिमाग समझ लेते हैं। इंसान के दिमाग में दो प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक है, कौन कौन सी? एक तो वर्किंग मेमोरी, यानी कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो मुझे याद नहीं रखना पड़ रहा, वो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी वर्किंग में, यानी कि अभी मैं सिर्फ जो है आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो मुझे याद रखना है। याद रखना मतलब वर्किंग चल रही है, वर्किंग चल रही है मतलब मैं काम कर रहा हूँ, तो काम कर रहा हूँ तो उस समय मेरी एक मेमोरी काम कर रही ना, तो वो हो गई वर्किंग मेमोरी। उसके बाद जब मुझे इसको परमानेंट याद रखना है तो उसके लिए मुझे लॉन्ग टर्म मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। और इन सब में जो है जिम्मेदार कौन होता है? आसपास चीज़ें, यानी जो सुना है, देखा है, या फिर जो भी हमने बोला है, वो सारी चीज़ हम याद रख लेते हैं, तो एनवायरनमेंट के अनुसार ही सारी काम हो रहा है। उसके बाद अगर कंप्यूटर की बात करें तो सेम ऐसी टेक्नोलॉजी पर कंप्यूटर भी काम करता है। कैसे? कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है टेम्परेरी मेमोरी, जो कि कंप्यूटर काम कर रहा है यानी चालू है उस समय जो भी प्रोसेसिंग चल रही है, जो गणना चल रही है, वो सारी चीज़ें किस में रहती है? टेम्परेरी मेमोरी में। और जब वो स्टोर कर लेता परमानेंट, इसका मतलब वो परमानेंट स्टोरेज में होती है। परमानेंट स्टोरेज मतलब देखिए टेम्परेरी मेमोरी हम देख सकते हैं जैसे रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और परमानेंट मेमोरी का मतलब होता है एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, इसमें हम स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे हमको सेकेंडरी यानी परमानेंट स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारे अंदर होती है उसी प्रकार यहाँ टेम्परेरी की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वर्किंग मेमोरी होती है। तो ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। और ये सब कहाँ से आता है? इसमें इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड से आपने कुछ टाइप करे तो चल रहा काम, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी, उसको हमने कंट्रोल एस कर दिए तो वो कहाँ चला गया? परमानेंट मेमोरी में। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा आप दोनों कॉन्सेप्ट, जैसे इंसान की दिमाग काम करता है, मस्तिष्क काम करता है, याददाश्त काम करती है, उसी प्रकार कंप्यूटर की मेमोरी काम करती है। अब यहाँ मेजरमेंट यूनिट आपको ध्यान रखना है, मेजरमेंट यूनिट क्या होती है कंप्यूटर की? मेजरमेंट यूनिट मतलब जैसे हम कोई चीज़ को नापते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ को नापने के लिए जैसे किलोग्राम है, लीटर है, मीटर है, इनका उपयोग करते हैं यूनिट का, उसी प्रकार मेमोरी को मापने के लिए भी उनकी कुछ यूनिट होती है, तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। पहली सबसे छोटी होती है बिट। कंप्यूटर समझता है जीरो और वन, तो जीरो या वन अपने आप में क्या है? जीरो और वन अपने आप में बिट है। क्या है? बिट है, चाहे तो जीरो को बोल दो या बिट, अगर दोनों को मिला बोला जाए तो बिट की जगह क्या हो जाएगा? बिट्स हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक हो गई है बहुवचन। जब हम एक से अधिक बिट मिलाकर चार कर दें तो वो उसका नाम बन जाता है निबल। जैसे मान लीजिए किलो से मिलाकर हम क्विंटल बना देते हैं, उसी प्रकार बिट से मिलाकर हमने क्या बना दिए? निबल। अगर यहाँ हमने कितना कर दिए? 8 बिट का कलेक्शन कर दिए, तो 8 बिट के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? एक बाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक बाइट, मतलब 8 बिट अगर जोड़ दे एक साथ तो उसे क्या बोलेंगे? एक बाइट। उसके बाद अब बात होती है यहाँ पर 1024 बाइट अगर एक साथ जोड़ दे तो वो बन जाता है 1 KB, 1024 KB जोड़ दे तो 1 MB, ऐसे जोड़ते जोड़ते हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं? 1024 ब्रोंटो बाइट अगर जोड़ दे तो एक क्या बन जाती है? 1 जीओ बाइट। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है मेजरमेंट की? बिट होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? जीओ बाइट होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1024 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024।
एक एमबी में कितने केबी होते हैं, 1024। पर ऐसा पूछ ले कि एक एमबी में कितने बाइट होते हैं, तो केबी तो यहाँ 1024 है, पर बाइट पूछा है ना, तो 1024 और 1024 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एक एमबी में इतने बाइट होते हैं। तो कितने होते हैं देखिए, एक एमबी में जो बाइट होते हैं वो 1,48,576 होते हैं, ठीक है, दोनों का गुणा करने पर जो आंसर आएगा। चलिए ये आप ध्यान में रख लेना एक मेजरमेंट यूनिट को। हम आगे चलते हैं मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से तात्पर्य ऐसी मेमोरी जो कि कंप्यूटर को काम करने के लिए सहायता करती है, जैसे कि सीपीयू की मेमोरी होती है। सीपीयू की मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो रजिस्टर होती है और एक होती है कैश। रजिस्टर क्या होती है, उसकी अपनी खुद की मेमोरी होती है सीपीयू की, और कैश होती है रैम और सीपीयू के बीच में काम करती है, ठीक है। उसके बाद वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मतलब होता है अस्थाई, यानी कि जो मेमोरी डिलीट हो जाती है कंप्यूटर बंद करने या बिजली चले जाने के पश्चात हमारा कंप्यूटर बंद होता है, तो उस समय हमारी मेमोरी से जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है, तो ऐसी मेमोरी को बोलते हैं वोलेटाइल, जिसमें रैम आती है। एस रैम कैश के रूप में काम करती है और काफ़ी फास्ट होती है, और डी रैम डायनेमिक रैम होती है, जिसमें DDR1 DDR2 DDR3, इसका मतलब है जो रैम हम खरीद के लाते हैं मार्केट से उसे बोलते हैं डी रैम, ठीक है। और एस रैम जो होती है स्टैटिक रैम होती है, जो कि कैश का काम करती है। एक होती है वर्चुअल रैम। आजकल मोबाइल में बड़ा बोलबाला है वर्चुअल रैम का। कैसे, आप लेते हैं 6 GB रैम वाला मोबाइल और ऐसा बोल के दिया जाता है कि 3 GB आप अपग्रेड कर सकते हो। कैसे, रैम तो रहती नहीं है, कैसे अपग्रेड कर लोगे, तो रैम नहीं रहती तो कहाँ से अपग्रेड करेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज दिया जाता है 64 GB 128 GB, उससे आप 3 GB उधार ले लेते हैं, तो इसलिए उसको बोला जाता है वर्चुअल रैम। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी इस रैम का उपयोग किया जाता है, जिसे बोला जाता है वर्चुअल रैम। रहती नहीं है पर आभास किया जा सकता है, यानी कि रहती है मतलब एक प्रकार से हम फील कर लेते हैं। जैसे उदाहरण बताता हूँ, आपके पास जितना पावर है वो तो है ही, पर अगर कोई जोश दिला दे और बोल दे कि आप दीवार तोड़ सकते हो, तो आपके पास शक्ति है मतलब उतनी तो रहती नहीं, परंतु आप आभास कर लेते आप दीवार तोड़ दोगे, तो वैसे कंप्यूटर भी ज़्यादा क्षमता में प्रोसेसिंग कर सकता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो होती है एक प्रकार से स्थाई मेमोरी, जिसका डाटा डिलीट नहीं होता। तो ये प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है, जो कि रोम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद देखिए रोम के तीन प्रकार होते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जिसमें एक बार प्रोग्राम कर दिया दूसरी बार उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, यानी कि रीराइट नहीं किया जा सकता। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि यूवी किरणें अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं ना, उसके माध्यम से हम डिलीट कर सकते हैं और उसको फिर से स्टोर कर सकते हैं। फिर एक इलेक्ट्रिक तरंग हो, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि विद्युत तरंगों के माध्यम से हटाया जा सकता है और उसको फिर से मतलब एक प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसमें तीन प्रकार हमने देखे हैं, क्या क्या देखें, प्राइमरी में सीपीयू मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को, तो यहाँ देखिए हमने तीनों को देख लिए। सीपीयू में रजिस्टर और कैश होता है, वोलेटाइल में रैम होती है और नॉन वोलेटाइल में रोम। रैम के तीन प्रकार और रोम के भी तीन प्रकार हमने देख लिए। चलिए आगे चलते हैं, अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में भी हमको क्या देखने को मिलता है, दो प्रकार, सिक्वेंशियल और डायरेक्ट। सिक्वेंस का मतलब आप समझिए, कहीं आप लाइन में लगे मतलब एक एक करके आप बीच में कहीं जाकर घुस जाओगे तो खूब पड़ेगी, तो इसलिए आप लाइन से ही फॉलो करोगे ना, यानी लाइन बाय लाइन आप जो है कहीं लाइन में लगते हो तो आप लाइन से ही, जैसे बैंक में लाइन लगी है तो लाइन बाय लाइन ही आपका नंबर आएगा। क्या बीच में घुस जाओगे, बीच में घुसोगे तो खूब पड़ेगी, तो इसलिए लाइन बाय लाइन चल रहा है। इसका मतलब कैसे चल रहा है, सिक्वेंशियल, और जहां लाइन नहीं लगती वहां कैसा होगा, डायरेक्ट। तो ऐसे ही मेमोरी में भी स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है या फिर टेक्निक होती है उसे बोलते हैं सिक्वेंशियल या डायरेक्ट। तो यहाँ पर एक होता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का मतलब होता है जो आप पहले टेप उपयोग करते थे कैसेट वगैरह, तो उस प्रकार से कंप्यूटर का डाटा भी यहाँ स्टोर होता था, ठीक है, जो सिक्वेंशियल होता था। जैसे कैसेट में गाने आपको लास्ट का सुनना था, आपको 3 गाने होकर जाना पड़ता था, उसे बोलते हैं सिक्वेंशियल। पर हार्ड डिस्क में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। हार्ड डिस्क में क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक डिस्क आ गई, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क आ गई, DVD वगैरह, फ्लैश ड्राइव आ गई आपकी, पेन ड्राइव वगैरह, तो ये सारी चीज़ें कैसी मिलती है आपको, ये मिलती है आपको, चलिए मैग्नेटिक डिस्क समझते पहले। मैग्नेटिक डिस्क में आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, जिसमें प्लेटर्स में डाटा स्टोर होता है और डाटा कहीं से भी हम जा सकते हैं, कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट कहीं भी सेव कर सकते हैं, डायरेक्ट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है डायरेक्ट। ऐसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गई, हालांकि अभी चलन में नहीं है परंतु फ्लॉपी डिस्क है। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत हमको 4 चीज़ें मिलती है, कौन कौन सी, एक तो CD मिलती है, CD में 3 प्रकार, CD-ROM रीड ओनली मेमोरी, CDR रीडेबल और CDRW रीराइटेबल। उसी प्रकार DVD मिलती है,
सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का मतलब डिजिटल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी रोम होती है, डीवीडीआर होती है और डीवीडीआरडब्ल्यू। उसके बाद एक और होती है बीआरडी, हाई लेवल या हाई डेफिनेशन वीडियो स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे बीआरडी यानी ब्लू रे डिस्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लू रे डिस्क। चलिए आगे चलो, यहाँ होलोग्राफिक वीडियो डिस्क बोला जाता है इसको, एचवीडी को। उसके बाद है कार्ड, आप मेमोरी कार्ड उपयोग करते होंगे, पेन ड्राइव उपयोग करते होंगे, तो ये सब किस में आ जाते हैं? फ्लैश ड्राइव में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन ठीक हो गई है, स्क्रीन नहीं कट रही अब, है ना, अब टेंशन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ देखिए कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए यहाँ सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज होती है, बीच में आपकी मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी के बाद कैश मेमोरी होती है, यानी कि जब भी हम कोई डाटा देते हैं इनपुट के रूप में वो कहाँ जाता है? मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी से कहाँ जाता है? कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी से कहाँ जाता है? सीपीयू में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, आप बताइए मुझे सबसे फास्ट कौन सी मेमोरी होगी? सेकेंडरी होगी, मेन मेमोरी होगी, कैश मेमोरी होगी, या फिर इसके अंदर एक और मेमोरी होती है जिसे बोलते हैं रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर। तो बताइए इनमें से कौन सी फास्ट मेमोरी होगी? सेकेंडरी होगी, मेन मेमोरी होगी, कैश मेमोरी होगी, या फिर रजिस्टर होगा? बताइए यहाँ पर। देखिए सबसे करीब में जो मेमोरी होगी, जैसे सीपीयू की मेमोरी है रजिस्टर, तो रजिस्टर ही सबसे फास्ट होगी। उससे कम फास्ट कौन सी होगी? कैश। इसके उसके बाद होगी मेन, और सबसे जो है स्लो कौन सी होगी? सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी यहाँ सबसे स्लो मेमोरी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ देखिए कैश मेमोरी मतलब रजिस्टर सबसे फास्ट है, कैश मेमोरी उससे कम फास्ट, मेन मेमोरी उससे कम, और उससे मतलब सबसे स्लो आपकी ये हो गई, उससे कम स्लो मेन मेमोरी, उससे कम ये, और सबसे ज़्यादा फास्ट ये वाली हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलिए। यहाँ पे इसके प्रकार हमने देख लिए, टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी में रैम और रोम, और एक और होती है कौन सी? हमारी सीपीयू की मेमोरी। तो ये तो हमने देख लिए, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, इनको आप एक बार पढ़ लीजिए पीडीएफ में, समझ में आ जाएगा। और ये डी रैम के प्रकार है, डी डी आर वन मतलब डबल डेटा रेट, डी डी आर टू अपग्रेडेड हो गया, DDR3, DDR4, अभी वर्तमान में आपका DDR4 चल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ वर्चुअल रैम। हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट हम उधार ले लेते हैं प्रोसेसिंग के लिए, उसे बोलते हैं वर्चुअल रैम। ठीक है, अब CPU अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये ले लेता है, हम उसको सेट भी कर सकते हैं। चलिए मैग्नेटिक टेप आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए कैसेट होती है, कैसेट के अंदर इस प्रकार के व्हील होते हैं, व्हील में इस प्रकार जो है रील आसपास होती है, मैग्नेटिक लेप के अनुसार उसमें डाटा स्टोर होता है, जैसे सॉन्ग स्टोर होते थे वैसे ही डाटा भी स्टोर होता था, तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। आगे देखिए यहाँ पर आपको देखने मिलेगा फ्लॉपी डिस्क, इस प्रकार का प्लेटर्स होती है, उसके ऊपर जैकेट होता है, जैकेट में रीड राइट हेड भी होता है, लेबल होता है, फ्लॉपी का नाम होता है, तो इस प्रकार से ये देखने को मिलती है आपको। फ्लॉपी दो कैटेगरी में आती है। ठीक है, दो कैटेगरी कौन कौन सी? एक देखिए 5.5 इंच लगभग, और एक 3.5 इंच लगभग, तो ये दोनों को आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हम जानते हैं अब हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक प्रकार की हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका मतलब है प्लेटर्स में डाटा स्टोर होता है। जब आप एग्जाम में पूछा जाएगा मैग्नेटिक डिस्क, तो भी हार्ड डिस्क समझाना आपको, और हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर ये वाला बनाना है, ये दिख रहा है आपको, देखिए आर्म असेंबली होता है, फिर उसके बाद रीड राइट हेड होता है। ठीक है, सिलेंडर में आपके देखिए प्लेटर्स होते हैं, जो पूरा चक्र होता है उसे ट्रैक बोलते हैं, और छोटे छोटे पार्ट को सेक्टर बोलते हैं। ठीक, इन सबको प्लेटर्स बोलते हैं, इसको आप एक बार बना दीजिए और इसकी कार्यविधि को समझा देना है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क का अपग्रेडेड वर्जन क्या कहलाता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसमें डाटा काफ़ी फास्ट स्टोर होता है, फास्ट एक्सेस होता है, यानी कि रख भी जल्दी सकते हैं और निकाल भी जल्दी सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, टाइप्स ऑफ SSD आप देख सकते हैं, चार प्रकार की यहाँ पे है, और यहाँ पे तुलना आप एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा हार्ड डिस्क और SSD में अंतर, तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क, जिसके अंदर CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, HBD ये सभी आ जाते हैं, इनको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क, और सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया था, प्रकार भी आप देख सकते हैं एक बार और पढ़ सकते हैं इनके अंतर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पेन ड्राइव आप सभी जानते होंगे, जिसे फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव बोला जाता है, कैपेसिटी आप 2 GB से लेकर अभी देख सकते 128 GB, 1 GB तक आ गई है ये। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है मतलब सबसे अग्रणी पेन ड्राइव कंपनी कौन सी है? सैनडिस्क है। इसका नाम पहले क्या था वो आपको ढूंढना है। ठीक है, ये पेन ड्राइव का स्ट्रक्चर है, आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इस प्रकार से, हाँ मतलब इतना अच्छा नहीं बनाना है आपको, सिर्फ इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, ये देखिए USB इस प्रकार बना दी, इसके बारे में कुछ कुछ डिस्क्राइब कर दिए। ठीक है, और नीचे आप थ्योरी बता सकते हैं इसके बारे में। चलिए आगे चलिए, यहाँ पर मेमोरी कार्ड आप समझा सकते हैं, मेमोरी कार्ड इस प्रकार के हो सकते हैं, मेमोरी कार्ड के कुछ प्रकार है,
ठीक है, जैसे कि SD है, HDSC है, CF है, MMC है, HDXC है, माइक्रो SD कार्ड। माइक्रो SD कार्ड हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? मोबाइल में, ठीक है। हालांकि अब मोबाइल में इतनी कैपेसिटी आ गई है कि हम उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एक बार, और ये क्लास है, मतलब जो मेमोरी कार्ड उसकी क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। चलिए, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी दी है, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। जैसे कि यह जो प्राइमरी मेमोरी है, सूचनाओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, यानी कंप्यूटर बंद होता है तो वो डिलीट हो जाती है। यह मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा महंगी होती है क्योंकि फास्ट होती है, इसमें कार्य करना काफ़ी तीव्र होता है, सिस्टम में स्थायी रूप से लगी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को हम निकाल सकते हैं। इसमें संग्रहित सूचना एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते क्योंकि कंप्यूटर बंद हुआ और सिस्टम, मतलब इन्फॉर्मेशन खलास, यानी कि इन्फॉर्मेशन गई, उसके बाद कंप्यूटर के एक्सेस टाइम को प्राइमरी मेमोरी प्रभावित करती है, ठीक है। IC इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में होती है। दो प्रकार की मेमोरी, रैम और रोम होती है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होने के कारण इसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है, और इनबिल्ट मेमोरी भी ये होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करें तो ये सूचनाओं को स्थायी रूप से स्टोर करती है, बिजली बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो स्टोर रहती है जब तक कि उसको, मतलब मेमोरी को नष्ट ना किया जाए, ठीक है, मतलब जला दे, तोड़ दे, कुछ भी कर दे। यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा सस्ती होती है और मेमोरी कैपेसिटी अधिक होती है। इसमें कार्य करने की विधि जो होती है, क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी से कम होती है। इसके अलावा मेमोरी कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी नहीं होती क्योंकि निकाल कर हम पोर्टेबल रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें संग्रहित जो सूचनाएँ, डाटा होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह मेमोरी कंप्यूटर के एक्सेस टाइम को प्रभावित नहीं करती, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब रैम आपकी तेज़ रहेगी तो कंप्यूटर तेज चलेगा, सेकेंडरी डिस्क आपकी कम रहे, ज़्यादा रहे, मतलब मिनिमम रहे। CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। यह कई प्रकार की होती है, ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, उपयोग करने के लिए कंप्यूटर में अलग से लगाया जाता है, ठीक है। इनबिल्ट मेमोरी नहीं होती, ये सब तो हमने पढ़ ली है। चलिए आगे चलते हैं, मेमोरी समझ में आया कि नहीं आपको, आ गया होगा। चलिए, ये तो हमारा यहाँ पे मेमोरी वाला चैप्टर हो गया। अब हम आगे की जो चीज़ है, मतलब हमारे पास में आगे क्या है, हमारे पास में आगे इनपुट डिवाइस वगैरह और जो अन्य चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। चलिए, समझ में आ रखनी सभी को, यस और नो में आंसर दीजिए, कोई डाउट है जल्दी बताइए। 2 मिनट का विराम देता हूँ मैं आपको। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे, अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस से मतलब क्या होता है भाई, कंप्यूटर में काम करना है तो कोई ना कोई निर्देश, मतलब हमको देना पड़ेगा ना, जो टास्क या जो भी निर्देश या जो डाटा हम देते हैं कंप्यूटर को, किसके माध्यम से देंगे, इनपुट के माध्यम से। इसका मतलब है यहाँ पे जिसके माध्यम से दिया जाएगा वो इनपुट डिवाइस कहलाएगी, जैसे कीबोर्ड आप जानते हैं, माउस आप जानते हैं। उसके बाद डाटा कहाँ जाएगा, प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेस करेगा कंप्यूटर, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में हमको प्राप्त होगा। प्रोसेस किससे करेगा, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके माध्यम से हमने ब्लॉक डायग्राम समझे थे। आउटपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे, प्रिंटर है, मॉनिटर है, बाकी सभी चीज़ें। फिर डाटा हमको अगर सही लगा है, पढ़ना है, तो हमको स्टोरेज के रूप में उसको स्टोर करना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस के रूप में पढ़ना है। इनपुट क्या होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं उसे बोलते हैं इनपुट। तो देखिए इनपुट के अंदर कुछ चीज़ें आती है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, ये सभी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, स्कैनर है, इसके अलावा ग्राफिक्स टैबलेट है, माइक्रोफोन है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो चेक और DD में नंबर्स को जांचने के लिए करता है, उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, बार कोड रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ATM है, टच स्क्रीन है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आई स्कैनर। चलिए थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं सभी के बारे में ताकि आप एग्ज़ाम में उसको लिख सकें। कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है, जिसके माध्यम से हम डाटा टाइप करके, कमांड देकर, यानी टाइप करके निर्देश दे सकते हैं किसको, कंप्यूटर को, इसे बोलते हैं इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। इसमें कुछ कीज़ होती है, कीज़ आप जान लीजिए, जैसे कि यहाँ देखिए कुछ फंक्शन कीज़ होती है, देख सकते हैं आप कहाँ से कहाँ तक रहती है, F1 से लेकर F12 तक रहती है, ये चीज़ आपको पता होगी। एस्केप की होती है, कंट्रोल करने का काम करती है, कंट्रोल मतलब जैसे कोई व्यक्ति नीचे गिर रहा है, मान लो हमने उसको पकड़ के पीछे खींच लिए, इसका मतलब हमने उसको कंट्रोल करे कि नहीं, बिल्कुल करें। तो उसी प्रकार कोई काम करें कंप्यूटर में, अगर गलत हो रहा तो हम कमांड एस्केप बटन दबा के उसको पीछे खींच सकते हैं, भाई नहीं ये प्रोग्राम नहीं खुलना चाहिए, एस्केप दबा दो। तो इसके लिए यहाँ पर होता क्या, एस्केप बटन यहाँ पर होती है, तो एस्केप बटन के माध्यम से क्या करते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं कोई भी काम को। ठीक है, यहाँ पे हम एस्केप बटन के द्वारा क्या कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। एस्केप बटन मतलब होता है कोई भी काम को कंट्रोल करने का काम करते हैं, यानी कंप्यूटर में जैसे मान लो कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और यदि हमको वापस क्या करना है,
कोई भी प्रोग्राम ओपन हो गया और हमको वापस बंद करना है तो उस प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हम कौन सी बटन का प्रयोग करते हैं, एस्केप बटन का प्रयोग। जो फंक्शन की होती है, फंक्शन की का मतलब क्या होता है, स्पेशल काम को करने के लिए हम जो है फंक्शन कीज का उपयोग करते हैं। उसके बाद होती है कुछ अल्फ़ाबेट की, ए से लेकर जेड तक, कुछ जो होती है सिंबॉलिक की होती है, उसके बाद शिफ्ट की होती है, कंट्रोल की होती है, अल्टर की होती है, स्पेस की होती है, विंडो की होती है, ऑप्शन बटन होती है, उसके बाद एरो कीज होती है, इंसर्ट होती है, डिलीट होती है, सबका काम हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए आगे चलिए, कीबोर्ड के कुछ लेआउट देख लीजिए। देखिए कीबोर्ड के कुछ लेआउट होते हैं, क्वारिटी होता है, एजॉरिटी होता है, डुआर्क होता है। तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं यहाँ पे क्वारिटी, यानी कि QWERTY के माध्यम से जो कीबोर्ड दिखता है, जैसे आप देखिए यहाँ पर QWERTY के माध्यम से जो कंप्यूटर दिखता है उसे बोलते हैं क्वारिटी, और क्वारिटी कीबोर्ड को ही हम उपयोग करते हैं। ठीक है, शुरू के जो 6 नंबर उसको मिलाकर जो कीबोर्ड बनता है उसे हम क्वारिटी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए अजॉरिटी होता है, अजॉरिटी आप देखिए ए देखिए यहाँ से 6 अंक मिलाइए अजॉरिटी बन जाता। और एक और होता है, हालांकि इनका उपयोग हम नहीं करते पर हमको जानना जरूरी है कि कीबोर्ड के 3 प्रकार के लेआउट होते हैं, एक तो होता है क्वारिटी, अजॉरिटी और ड्वार्क। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कीबोर्ड के कुछ प्रकार है, जैसे कि वायरलेस कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड होता है जो कि हम वायर के द्वारा कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पोर्ट में एक PS2 पोर्ट होता है और एक होता है USB पोर्ट। ठीक है, एक होता है वायरलेस जो कि एडाप्टर के माध्यम से, मतलब USB एडाप्टर के माध्यम से जो कनेक्ट होते हैं उसे बोलते हैं वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस मतलब होता है जिसमें हम कोई वायर नहीं अटैच करते, बिना वायर के USB के माध्यम से उसको कनेक्ट कर पाते हैं। एक एर्गोनॉमिक कीबोर्ड होता है तो ये हम यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि 3 प्रकार के कीबोर्ड और जो कनेक्टर है वो भी 3 प्रकार के, सीरियल कनेक्टर पहले यूज़ होता था, PS2 अभी थोड़े दिन पहले यूज़ होता था, अभी वर्तमान में USB कनेक्टर यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रकार के पोर्ट देखने को मिलते हैं। की कुछ प्रकार यहाँ देख लेते हैं, जैसे फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक, टाइपिंग की होती है A से लेकर Z, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, या फिर हम देखें शिफ्ट की होती है, टैब की होती है, कैप लॉक मतलब जो एंटर की होती है, कैप्स लॉक होती है, बैक स्पेस होती है, सब क्या कहलाती है, टाइपिंग की। कंट्रोल की होती है, जैसे कंट्रोल है, अल्टर है, स्केप है, ये सब कंट्रोल कीज है। क्या नेविगेशन की, एरो कीज होती है, होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, ये सब क्या है, नेविगेशन। इंडिकेटर लाइट 3 होते हैं और न्यूमेरिक कीपैड के अंतर्गत देखें तो न्यूमेरिक कीपैड हम देखने वाले हैं। जैसे ये देखिए यहाँ से फंक्शन कीज होती है, ये देखिए F1 से लेकर F12, शिफ्ट है, कंट्रोल है, अल्टर है, एस्केप है, ये सब कंट्रोल कीज होती है। मॉडिफायर की इन्हें बोला जाता है, एस्केप तो कंट्रोल की हो गई, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर को मॉडिफायर की बोलते हैं। स्पेस, एंटर और बैक स्पेस और ये की जो होती है, और ये टैब और कैप्स, ये टाइपिंग कीज होती है इनको। उसके बाद देखिए अल्टर भी इधर की हो गई है, ऑप्शन बटन हो गई, ये नेविगेशन कीज होती है, न्यूमेरिक कीपैड होता है, इंडिकेटर लाइट्स होते हैं। ये सब आप जो है एक बार इसमें मैं नोट्स में बता दूंगा, ठीक है, नोट्स दे दूंगा तो उसमें एक बार पढ़ लेना, तो ये कीबोर्ड के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी डिवाइस जानते हैं, माउस। तो माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, यानी पॉइंट करके हम क्या करते हैं, पॉइंटर के माध्यम से निर्देश देते हैं। इसमें मुख्य रूप से कितने काम होते हैं, जैसे लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, ये बॉडी होती है इसकी, स्क्रॉल होता है, तो डबल क्लिक भी होता है कि नहीं, जैसे मान लो एक आइकॉन के ऊपर सिंगल क्लिक करें तो वो क्या करता है, काम करेगा, परंतु अगर डबल क्लिक कर दें हम तो वो कैसा काम करेगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डबल क्लिकिंग होती है, राइट क्लिकिंग होती है, अगर किसी ऑप्शन को पकड़कर हम जो है दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी यहाँ से खींचे तो ड्रैग और यहाँ पकड़ कर लाग छोड़ दिए मतलब ड्रॉप, तो इस प्रकार से भी काम होता है। तो माउस के कुछ कार्य होते हैं, जैसे यहाँ देखिए आप ये माउस का वायरलेस वाला पार्ट देख लीजिए, इस प्रकार के माउस भी होते हैं वायरलेस वाले। ठीक है, माउस के कार्य देखिए, तो यहाँ क्लिकिंग होता है, डबल क्लिकिंग होता है, राइट क्लिकिंग होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, स्क्रॉलिंग होता है, तो इनको थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं, आपको पता होगा माउस कैसे काम करता है, तो इनके बारे में आप लिख लीजिए और माउस का इस प्रकार से डायग्राम बना दीजिए, मतलब जो काम करता है ये, तो सामने हमको पता चल जाएगा कि सामने वाले को भाई हमने पढ़े हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए, माउस के 3 प्रकार हम देख सकते हैं। मैकेनिकल माउस होता है, मैकेनिकल माउस जो कि इस प्रकार से बॉल लगी होती थी सेंसर के रूप में। उसके बाद प्रकाशीय यानी ऑप्टिकल माउस होता है जो आप इस प्रकार देख सकते हैं, और एक वायरलेस माउस होता है जो आप इस प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, तो तीनों माउस आप देख सकते हैं, तीनों माउस जिसमें ट्रैक बॉल नीचे लगी होती थी, अब ट्रैक बॉल ऊपर आ गई इसका मतलब वो ट्रैक बॉल बन जाता था, और बॉल नीचे लगी मतलब वो मैकेनिकल माउस बन जाता था, जिसमें ऑप्टिकल यानी सेंसर नीचे लगा होता था वो ऑप्टिकल माउस, और जिसमें वायर नहीं होता, देखिए एडाप्टर के साथ में इसका यूज़ होता है, उसे बोलते हैं कॉर्डलेस, यानी कि तार रहित, यानी वायरलेस माउस। चलिए आगे चलते हैं,
जॉयस्टिक आप देख सकते हैं, वीडियो गेम खेलने के लिए मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है, वीडियो गेम खेलने के लिए, और एक प्रकार की पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ये भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम ये जॉयस्टिक के कुछ पार्ट है, जैसे स्टिक होती है, आधार मतलब उसका जो बेस होता है, ट्रिगर होता है, एक्स्ट्रा बटन होती है, ऑटो फायर स्विच होता है, थ्रॉटल होता है, हेड होता है, ये सब जो है इसके बारे में आप समझा सकते हैं, तो आपको मतलब जो है ये चीज़ें समझ में जाएगी। देखिए कल पेपर है इसी के लिए पढ़ा रहे अभी सीख जी हम। चलो आगे चलते हैं हम। ये इस प्रकार से भी आप डायग्राम देख सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार के जॉयस्टिक होते हैं, वीडियो गेम खेलने के लिए मुख्य रूप से इनका उपयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल होती है, ट्रैक बॉल को समझ लीजिए, मैकेनिकल माउस में बॉल नीचे होती थी इसलिए उसको माउस बोलते थे, पर ये जो बॉल है वो ऊपर आ गई इसलिए इसको ट्रैक बॉल बोलते हैं। जैसे लैपटॉप देखिए आपने, लैपटॉप में टच पैड होता है कि नहीं, आप उंगली खिसका खिसका काम करते हैं, तो उंगली खिसका काम करते हैं तो उसी प्रकार पहले बॉल को खिसका खिसका काम किया जाता था, यानी ट्रैक बॉल का अपग्रेडेड रूप क्या है, अपग्रेडेड रूप हम बोल सकते हैं टच पैड है, क्या है, माउस का मतलब जो आपका लैपटॉप का टच पैड है वो ट्रैक बॉल का अपग्रेडेड है। जैसे राइट बटन होती है, फंक्शन असाइनमेंट होता है, ट्रैक बॉल आप देख सकते हैं फंक्शन असाइनमेंट बटन होती है, बैक और फॉरवर्ड होता है, टिल्ट व्हील होता है, लेफ्ट बटन होती है, सब काम जो होते हैं किसके होते हैं, ट्रैक बॉल के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लाइट पेन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर हम सीधे लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं लाइट पेन, सेंसर के माध्यम से देखिए जो है ये लिख रही है, लिख रहा जो भी है मतलब स्क्रीन पर लिखा रहा है, ठीक है। तो जैसे इंजीनियर अगर मैप में काम करना है, कोई नक्शा बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए इस प्रकार की डिवाइस का उपयोग किया जाता है, यूएसबी से कनेक्ट होती है, ठीक है, सेंसर से ये काम करती है। फिर टच स्क्रीन आप उपयोग करते हैं अपने मोबाइल में, तो टच स्क्रीन में भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ तारों की श्रृंखला होती है जिसके माध्यम से हम फिंग टच करते हैं तो हमको रिफ्लेक्शन यानी कि एक प्रकार से रिफ्लेक्ट होकर काम होता है, तो इसे बोलते हैं टच स्क्रीन। और ये इनपुट में भी आता है और आउटपुट में भी, यानी कि वहीं से आप निर्देश दोगे, टच करोगे और उसी में आपको प्राप्त होगा, तो इनपुट भी कहलाएगी और आउटपुट भी कहलाएगी टच स्क्रीन। स्कैनर, स्कैनर जो होता है आपकी हार्ड कॉपी इमेज को सॉफ्ट कॉपी इमेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्कैनर फ्लैट बेड और आपका जो है अलग अलग प्रकार के स्कैनर होते हैं, ठीक है, ड्रम स्कैनर होता है, फ्लैट बेड स्कैनर होता है। उसके बाद देखिए फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट इस प्रकार के भी होते हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने आधार कार्ड सेंटर में जाते होंगे, लाइसेंस बनवाने कहीं भी, तो इस प्रकार के आपको यूज़ करते देखते होंगे। और ये आप कियोस्क में देख सकते हैं सिंगल स्कैनर, अपने मोबाइल में भी रहता है ना फिंगरप्रिंट, आप पीछे या साइड फिंगर आप देख सकते हैं जिससे लॉक खुलता है, वो भी क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है ना, आपके फिंगर को इनपुट लेकर वो मैच करती है पहले से फ्रेम जो हुआ है, यानी कि पहले आपको डाटा एनरोल करना पड़ता है, फिर आप इनपुट देते डेली डेली तो आपके डाटा को पहचान लेता है। फेस स्कैनर भी होता है, वो भी कैसा होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ये चीज़ तो आप डेली उपयोग करते हैं अपने मोबाइल में। आई स्कैनर या फेस स्कैनर भी इसके जैसे ही होता है, तो आई स्कैनर इस प्रकार का भी देखे होंगे आपने और इस प्रकार का भी देखें, ठीक है, हमारी रेटिना से पहचान हो जाती है। इसके बाद बारकोड रीडर होता है, जैसे इस प्रकार के प्रोडक्ट में कुछ कोड रहते हैं उसको रीड करने के लिए जो डिवाइस होती है उसे बोलते हैं बारकोड रीडर, ठीक। तो बारकोड रीडर क्या करता है, इस प्रकार से कोई प्रोडक्ट है चलिए यहाँ देखिए बारकोड रीडर क्या करता है, कोई प्रोडक्ट में कोई मतलब हमारे लाइंस होती है, उन लाइन में कुछ कोड रहता है, उस कोड को रीड करने का काम करता है। जैसे आप शॉपिंग मॉल जाते हो, मार्ट जाते हो, तो वहाँ पे प्रोडक्ट मार्ट में जाते हो तो मार्ट में क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बारकोड हम समझ गए, और बारकोड के बाद है यहाँ देखिए बारकोड इस प्रकार का होता है, और बारकोड रीड करने का काम क्या करता है, ये जो डिवाइस है वो करता है, ठीक है। आगे चलिए यहाँ नेक्स्ट होता है OMR, आप एग्ज़ाम देते होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम अभी तक कभी न कभी दिए होंगे जिसमें चार ऑप्शन में से एक को काला करना होता है, तो उस पेंसिल या पेन से बने निशान को रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसे बोलते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। आगे चलते हैं, देखिए एक होता है हमारा मतलब जो हम प्रिंटेड बुक लेते हैं और बुक के जो पेजेस है उसको खींच के हम कंप्यूटर में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है टेक्स्ट के फॉर्म में, यानी कि एडिटेबल रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में वो टेक्स्ट चला जाता है, तो इस प्रकार की चीज़ को बोलते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। चलिए आगे चलें, इस प्रकार से देखिए मान लो ये बुक है हमारी, ठीक, ये बुक है और बुक को हमने, या फिर ये बुक मान लो इसको हमने देखिए इस प्रकार से लेगा और इसको नीचे टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ देखिए चेक आपने देखा होगा, चेक या DD में आपको इस प्रकार के नंबर देखने को मिलती है, चेक का नंबर होता है, MICR 9 अंकों का रहता है, इस 9 अंक के नंबर को रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे बोलते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। आगे चलिए
क्विक रिस्पांस कोड आपने देखा होगा, आप उपयोग भी करते हैं, तो इसके लिए हम कौन सी डिवाइस उपयोग करते हैं, क्यूआर कोड, है ना। मतलब एक प्रकार से क्यूआर कोड रीडर होता है जो हमारे मोबाइल में भी रहता है, उसके माध्यम से हम इसको रीड करके क्या करते हैं, सामने वाले को पेमेंट कर देते हैं। आगे चलिए, ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम इनपुट देते हैं, तभी तो पैसा निकल कर आता है, तो इनपुट आउटपुट ऐसा बोल सकते हैं, हालांकि इनपुट के रूप में यूज़ होती है। माइक्रोफोन, जिसके माध्यम से आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हो, वो माइक्रोफोन है, ये भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक्स टैबलेट, जिसके माध्यम से मैं लिख पा रहा हूँ, वो क्या है, एक प्रकार का ग्राफिक्स टैबलेट है, ये भी इनपुट डिवाइस है, लिखकर हम निर्देश दे रहे हैं कि नहीं यहाँ पर। अभी हमारी इनपुट डिवाइस हो गई, अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू आप किसको जान लेते हैं, आउटपुट डिवाइस को, तो आउटपुट डिवाइस को यहाँ पर जान लेते हैं। चलिए, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस मतलब यूज़र के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है, प्रोसेसिंग के पश्चात हमें जिस डिवाइस के माध्यम से परिणाम मिलता है उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। मुख्य रूप से हमको देखने को मिलती है मॉनिटर, मॉनिटर देखने को मिलता है सबसे अधिक। उसके बाद हमको जो है प्रिंटर देख सकते हैं, स्पीकर देख सकते हैं, प्लॉटर देख सकते हैं, साउंड देख सकते हैं, सभी क्या है, सभी आउटपुट डिवाइस है। चलिए आउटपुट डिवाइस के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे 3D प्रिंटर है, मूवीज़ है, गेम में 3D प्रिंटर की आवश्यकता पड़ती है, ब्रेल एम्बोसर, ब्रेल रीडर है, फ्लैट पैनल है, GPS है। चलिए GPS का फुल फॉर्म बताइए सभी लोग मुझे, हेडफोन्स है, कंप्यूटर आउटपुट फिल्म है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, प्रिंटर। प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, एक तो इम्पैक्ट होता है और एक नॉन इम्पैक्ट होता है, दोनों कैटेगरी हम देखेंगे आगे चल के। प्रोजेक्टर होता है, साउंड कार्ड होता है, स्पीकर्स होते हैं, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस होती है, TV होती है, वीडियो कार्ड होता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे आउटपुट डिवाइस। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को देख पाते हैं, यानी किसी सॉफ्टवेयर में अगर कोई चीज़ डिस्प्ले हो रही है तो हम आपको कहाँ से दिखाई देगी, मॉनिटर के माध्यम से। मॉनिटर के कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे मॉनिटर बनाने का काम कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन के द्वारा किया गया था 1897 में, और इसको BDU भी बोला जाता है। BDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसको बोला जाता है, मॉनिटर को बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं, मॉनिटर के कुछ प्रकार है कलर के हिसाब से, एक मोनोक्रोम होता है, एक ग्रे स्केल होता है, और एक कलर मॉनिटर होता है। मोनोक्रोम का मतलब होता है या तो ब्लैक या तो वाइट, ब्लैक एंड वाइट में जो दिखा है सिंगल कलर में उसे बोलते हैं मोनोक्रोम, ठीक है। ग्रे स्केल मतलब ब्लैक शेड्स में जो दिखा है, ग्रे शेड्स में जो दिखा है वो ग्रे स्केल है, और RGB में जो दिखा है, RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू के माध्यम से जो दिखा उसे बोलते थे RGB, ठीक है। 16 से लेकर 16 लाख तक के जो रंग है उसका मिश्रण था RGB में, और RGB आपको पता है 3 कलर से मिलकर बना है, रेड, एक होता है ग्रीन, और एक होता है ब्लू। अब रेड ग्रीन ब्लू की जो वैल्यू होती है 0 से लेकर 255 होती है, यानी कि 0 से लेकर 255, 0 सबसे लो है और हाई आपका 255 है। तो अगर ऐसे हम कैलकुलेट कर करके देखें 16 लाख कलर हमको बन जाते हैं यहाँ पर, कहाँ पे, RGB के अंतर्गत 3 कलर को मिलाकर। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में एक बार पढ़ लेना PDF में। मॉनिटर के कुछ प्रकार है, जैसे CRT कैथोड रे ट्यूब, है ना, LCD होता है, जैसे हम आगे देखें CRT इस प्रकार से पिक्चर ट्यूब वाले हुआ करते थे। यहाँ पर कनेक्टर पिन होती थी, इलेक्ट्रॉन गन से सिग्नल आते थे, फास्फोरस की जो कोटिंग होती थी उससे टकरा टकरा के एक डॉट बनता था, और डॉट से कई अन्य डॉट बनते थे, इन डॉट को मिलाकर क्या बनती थी, एक पिक्चर बनती थी, ठीक है। और ये सिंगल डॉट था वो कहलाता था क्या, पिक्सल, क्या कहलाता था, पिक्सल कहलाता था। सिंगल डॉट जो था वो क्या कहलाता था, पिक्सल, यानी कि एक सिंगल डॉट लगा दो आप स्क्रीन पे तो वो कहलाएगा पिक्सल, और बहुत सारे पिक्सल एक साथ कर दें तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक पिक्चर बन जाएगी। तो पिक्चर बनाने में कौन जिम्मेदार, सबसे छोटा एलिमेंट, पिक्सल, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, रिफ्रैक्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक बीम होती है, इलेक्ट्रॉन बीम, फास्फोरस लेप युक्त सतह होती है, पिक्सल है, ये सभी चीज़ें, ठीक। LCD होती है तो CRT का अपग्रेडेड रूप LCD, फ्लैट पैनल है आप देख सकते हैं, TFT भी ये देख सकते हैं, ठीक है, थिन फिल्म जो ट्रांजिस्टर होता है, तो इस प्रकार से TFT है, LCD है। तो LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें देखिए 2 ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड और 2 पोलराइजिंग फिल्टर यूज़ किए जाते थे, उसके माध्यम से यहाँ देखिए आपको पिक्चर तैयार होती थी। इसमें एक लिक्विड होता है, अगर लिक्विड अगर फैल जाए तो पूरी स्क्रीन ख़त्म हो जाती है, यानी कि ख़राब हो जाती है। उसके बाद अपग्रेडेड रूप हुआ उसका, तो लाइट एमिटिंग डाइट बना जिसे हम LED बोलते हैं, ठीक है। LED आप इस प्रकार देख सकते हैं इसके बारे में, साथ ही आप प्लाज्मा मॉनिटर देख सकते हैं, LCD सरफेस कंडक्टेड इलेक्ट्रॉन एमिटेड डिस्प्ले देख सकते हैं। देखिए ऑर्गेनिक लाइटिंग लाइट एमिटिंग डाइट, ये LED का फुल मतलब LED का अपग्रेडेड वर्जन था, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है डुअल मॉनिटर, मान लो 2 मॉनिटर है, CPU की कैपेसिटी अगर है तो 2 मॉनिटर में डिस्प्ले हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे लैपटॉप में मैं कर सकता हूँ।
कुछ विशेषताएं पूछा जा रहा है, जैसे मॉनिटर क्या है, मॉनिटर की विशेषताएं पूछा जाए तो आप क्या करोगे? मॉनिटर की विशेषता के अंतर्गत पिक्सल देखने को मिलता है, एक सिंगल डॉट, रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, रिफ्रेश रेट है, डॉट पिच है, इंटरलेसिंग, पुरानी टेक्निक, नॉन इंटरलेसिंग, नई टेक्निक, बिट मैपिंग, टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों को मापना, मॉनिटर साइज है, एस्पेक्ट रेशो है। चलिए एक करके जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। पिक्सल मतलब होता है सिंगल डॉट, यानी कि एक पिक्चर को बनाने में जो सिंगल डॉट यूज़ होता है उसे बोलते हैं पिक्सल, और एक से अधिक पिक्सल मिलकर क्या बनाते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं। और एक से अधिक पिक्सल पिक्चर बनाते हैं तो सिंपल सी बात, यहाँ जितने अधिक पिक्सल रहेंगे उतनी अच्छी पिक्चर दिखेगी। इसका मतलब पिक्चर की क्वालिटी जो होती है उसको कौन डिफाइन करता है, उसकी क्वालिटी को डिफाइन करने का काम करता है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन हम क्या बोल सकते हैं, पिक्चर की क्वालिटी, यानी पिक्चर में जितने एक स्क्रीन एरिया में जितने अधिक पिक्सल रहेंगे रेजोल्यूशन उतना ही अच्छा रहेगा। तो रेजोल्यूशन मतलब क्या समझे, पिक्चर की क्वालिटी, पिक्चर की क्वालिटी को हम क्या बोलेंगे, रेजोल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर किसी स्क्रीन का रेजोल्यूशन, यहाँ पे आप देखिए किसी स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1366x768 है, तो आप क्या समझ जाओगे उसका रेजोल्यूशन अच्छा है कि बुरा है? बिल्कुल अच्छा होगा। और अगर उसी स्क्रीन का रेजोल्यूशन 640x480 है तो इसकी अपेक्षा इसका रेजोल्यूशन कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पिक्सल की संख्या कम है। चलिए यहाँ देखिए, आप वीडियो देख रहे होंगे तो 140x144x240x360x480x720x1080 में। अब बताइए मुझे इनमें से कौन सा अच्छा होगा? सबसे ज़्यादा लो क्वालिटी 144 की होगी, सबसे अधिक अच्छी क्वालिटी 1080 की होगी, तो इनमें से आपका अच्छा कौन सा होगा, 1080। ठीक है, चलिए रिफ्रेश रेट का मतलब एक पिक्चर जब बदलती है दूसरी पिक्चर से तो जितना अधिक गैप रहेगा उतनी ख़राब क्वालिटी रहेगी, और जितना कम गैप रहेगा यानी कि रिफ्रेश रेट की दर ज़्यादा रहना चाहिए। ज़्यादा क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी बदले, जल्दी जल्दी बदलेगा तो आपकी पिक्चर जो है बदलती हुई नज़र नहीं आएगी। जैसे 60 हर्ट्ज़ से मैं इसको मापा जाता, हर्ट्ज़ में मापा जाता, 60 हर्ट्ज़ है और 240 है, तो बताइए इसकी अच्छी रहेगी कि 60 की अच्छी रहेगी? बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए 240 की अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि 240 आपका ज़्यादा है, जल्दी जल्दी पिक्चर बदलेगी तो आपकी पिक्चर, जैसे देखिए शक्तिमान घूमता था हमको दिखता नहीं है, तो अगर वो धीरे धीरे घूमेगा दिखने लगेगा, तो इसलिए वो तेज़ घूमता, तो इसलिए यहाँ जल्दी चलेगी, मतलब रिफ्रेश रेट ज़्यादा रहेगी तो हमको पता नहीं चलेगा। ठीक, नेक्स्ट है डॉट पिच। एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल, मतलब पिक्चर में एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल पिक्सल के बीच की दूरी को मापने के लिए टेक्निक होती है डॉट पिच। ठीक है, आगे चलिए इंटरलेसिंग, नॉन इंटरलेसिंग। पुरानी टेक्निक होती थी आधी लाइन ही खींच पाती थी, परंतु नॉन इंटरलेसिंग में पूरी लाइन खींच पाती है, तो ज़्यादा अच्छी अभी नॉन इंटरलेसिंग है। ठीक है, बिट मैपिंग, पहले टेक्स्ट बस को मापा जाता था, अब पिक्चर में आप देख, मतलब पूरा स्क्रीन पे आप टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर को भी देख पाते हैं, तो इसे बोलते हैं बिट मैपिंग। ठीक है, मॉनिटर के साइज़ अलग अलग हो सकते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, जिसको जो अच्छा लगता वो ले सकता है। रेशो भी अलग अलग हो सकते हैं, एक चौकोन हो सकता है, लैंडस्केप वाला हो सकता है। ठीक है, रेशो अलग अलग हो सकते हैं। अब कलर ग्राफिक्स जान लेते हैं कुछ, जैसे वीडियो को दिखाने के लिए कुछ डिस्प्ले मोड यूज़ होते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं वीडियो स्टैंडर्ड, जैसे CGA, कलर ग्राफिक्स एडाप्टर, इन्हेंस ग्राफिक्स एडाप्टर, वीडियो ग्राफिक्स, अभी वर्तमान में BGA चल रहा है, और ज़्यादा अपग्रेड करें तो Super BGA, Super BGA मतलब SBGA। ठीक है, तो ये एक एक करके आप यहाँ एक बार पढ़ लेंगे इसके बारे में, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। यानी सबसे पुराने में कम पिक्सल हुआ करते थे, थोड़े अपग्रेड हुए ज़्यादा पिक्सल, फिर धीरे धीरे अपग्रेड होकर आप कहाँ पहुँच गए, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे में। तो अभी वर्तमान में हम देख सकते हैं 1600x1200, इतने स्क्रीन में आपके पिक्सल होते हैं, एक स्क्रीन में पिक्सल कितने होते हैं, 1600x1200। तो ये आपके एक बार देख सकते हैं आप पिक्सल की संख्या। चलिए यहाँ पे डायग्राम आप मतलब एक प्रकार से टेबल देख लीजिए, कितने पिक्सल क्या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कौन से क्या दिखाता है। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। तो जिस डिवाइस के माध्यम से आउटपुट हमको हार्ड कॉपी में प्राप्त हो उसे बोलते हैं प्रिंटर। अब ये प्रिंटर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर पुराने यूज़ होते थे, ठीक है, और कुछ इम्पैक्ट प्रिंट कुछ प्रिंटर हमारे अभी नए हैं जिन्हें हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। दोनों में अंतर समझते हैं। इम्पैक्ट मतलब जो प्रभाव से काम करते, प्रभाव मतलब खट 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 की आवाज़ आएगी या फिर शोर करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिबल प्रिंटर, ऑफसेट, मतलब एक प्रकार से आप देख सकते हैं जो शोर करते हैं। जैसे देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप देख सकते हैं, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अभी पोस्ट ऑफिस में आप जाओगे तो वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो पहले टिकट कटती थी, टिकट आती थी ना आपकी ट्रेन की, वहाँ पे भी आपको कौन से मिलते थे, डॉट मैट्रिक्स। डेजीबेल एक गुलबहार के फूल के आकार का, इसलिए उसको डेजीबेल बोलते हैं। लाइन प्रिंटर होता है, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सब क्या है आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखिए यहाँ चेहरा देख लीजिए सबका, ये हो गया आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके अलावा इसकी जो स्पीड थी CPS, कैरेक्टर पर सेकेंड थी, ठीक है, याद रखिए आपको। डेजीबेल प्रिंटर एक देखिए चक्र, इसमें सब कैरेक्टर छपे होते थे, स्ट्रोक करने पर ये कागज़ पर छप जाते थे। डेजीबेल प्रिंटर देखिए, लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर होता है जो इस प्रकार से छापता है।
चेन प्रिंटर होता है और एक होता है बैंड प्रिंटर। तो ये तीन इसके देखने को मिलते हैं हमको लाइन प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में वर्तमान में जितने भी चल रहा है लेज़र प्रिंटर वो आते हैं, ठीक है, फ़ोटो निकालने वाले प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर है जिसमें फ़ोटो भी निकल जाती है कागज भी, कलर पोर्टेबल प्रिंटर है, मल्टीफंक्शनल और थर्मल। जैसे इनके बारे में मैं दिखाऊं, देखिए लेज़र प्रिंटर ये आपको देखने को मिल रहा है, अगर एग्जाम में पूछा जाता तो आप इसकी कार्यविधि इस प्रकार समझा सकते हैं। जैसे यहाँ ट्रे है, ट्रे से पेपर गया, रोलर के माध्यम से आगे खींचा, यहाँ लेज़र के माध्यम से लेज़र पड़ी और यहाँ से टोनर निकल कर कहाँ गया, इसमें कागज़ पर छप गया और जो रोलर है उसको फिर से कागज़ को निकाल कर यहाँ आगे लेकर आ गया। इसका मतलब है ये पूरी कार्यविधि आपको समझाना है, ठीक है, लेज़र प्रिंटर की। लेज़र के माध्यम से प्रिंट होती है इसलिए लेज़र प्रिंटिंग बोलते हैं, और जिसमें इंक के माध्यम से प्रिंट होती है, अच्छा लेज़र प्रिंटर में कौन सी इंक यूज़ होती है, टोनर, जो ब्लैक पाउडर होता है उसको टोनर बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा इंकजेट प्रिंटर है उसमें इंक यूज़ होती है, ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ आगे चलते हैं, थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर, छोटे छोटे प्रिंटर जो यूज़ होते हैं इस प्रकार के, इनको क्या बोलते हैं, थर्मल प्रिंटर बोलते हैं। फोटो कॉप मतलब फ़ोटो निकालने के लिए यूज़ होता है, देखिए फ़ोटो प्रिंटर, ये आप देख सकते हैं लैब वगैरह में। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर में कलर के तीन बॉक्स लगे होते हैं RGB, या फिर चार बॉक्स लगे रहते हैं CMYK, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, तो ये जो होता है DPI डॉट पर इंच के हिसाब से प्रिंट करता है, ठीक है। पोर्टेबल प्रिंटर होता है, कहीं कैंप है, कहीं जहाँ बिजली की सुविधा या सामान ले जाने लाने में कठिनाई हो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, ठीक। चलिए मल्टीफंक्शनल या ऑल इन वन प्रिंटर, जहाँ पे फोटोकॉपी भी हो, स्कैन भी हो या फिर प्रिंट भी हो, इन सभी का काम जिसमें किया जाता है वो कहलाते हैं मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, ठीक। 3D प्रिंटिंग, ये गेम में, मूवी में, इनमें आपको देखने को मिलेगा 3D प्रिंटिंग। चलिए अदर आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें, तो अदर आउटपुट डिवाइस में आपको देखने को क्या क्या मिलता है, जैसे आउटपुट में प्लॉटर रेडियम प्रिंटिंग के लिए, या फिर आपको कोई नक्शा है या क्या जो भी हम बनाना चाहते हैं, जैसे ड्राइंग है, चार्ट है, ग्राफ है, होर्डिंग्स है, एडवर्टाइजमेंट बैनर है, इन सभी को बनाने के लिए हम प्लॉटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। प्लॉटर दो कैटेगरी में आते हैं, एक तो ड्रम पेन प्लॉटर और एक फ्लैट बेड होता है। ड्रम पेन आपने देखा होगा जब आप गाड़ी में कुछ लिखवाने के लिए जाते हैं सामने, तो उसके लिए होता है ड्रम पेन। पर अगर हमको जैसे इंजीनियर कोई नक्शे में काम करना चाहता है, ठीक है, कोई मैप में, तो इस प्रकार के प्लॉटर उपयोग होते हैं जो कि पेन के माध्यम से चलते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से पेन उसमें कंट्रोल किया जाता है, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं साउंड कार्ड क्या होता है, साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करता है, ये भी आउटपुट डिवाइस होती है, ये साउंड कार्ड एक्सटर्नल साउंड कार्ड है, ठीक है, और ये हो गया हमारा स्पीकर, स्पीकर अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेडफोन भी आपने देखा होगा, अभी आप हेडफोन लगा के कुछ ना कुछ जो है अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, तो इस प्रकार के हेडफोन आते हैं और इनको बोलते हैं ईयरफोन। ईयरफोन क्यों बोलते हैं, कान के अंदर होते हैं और ये हेड के ऊपर होते हैं इसलिए हेडफोन, ये ईयर के अंदर होते हैं इसलिए ईयरफोन, ठीक है। आगे चलिए प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर जिसके माध्यम से हम स्क्रीन दीवार पर या फिर कोई पर्दे में स्क्रीन दिखा पाते हैं बड़े का आकार में, उसे बोलते हैं प्रोजेक्टर। जैसे वीडियो दिखाना है, प्रेजेंटेशन दिखाना है, मूवी दिखाना है या अन्य कोई चीज़ दिखाना है, आपने देखा भी होगा प्रोजेक्टर, इस प्रकार से इसका डायग्राम बना सकते हैं प्रोजेक्टर का। लैंप होता है, ये देखिए कंडेंसर लेंस होते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर प्रोजेक्शन लेंस में जाता है और इमेज का प्रोजेक्शन यहाँ पे कर लेता है, ये स्लाइड या फिल्म इसको बोल सकते हैं। और ये कॉनकेव मिरर होता है, जहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर वो जो है पिक्चर को क्रिएट करता है। चलिए माइक्रोफिल्म भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है, इस प्रकार से रील आप देखे होंगे ना, ये रील। टच स्क्रीन भी आउटपुट डिवाइस होती है, इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। आगे चलिए, तो हमारे यहाँ पे आउटपुट डिवाइस एंड हो चुकी है, मतलब एक प्रकार से हमने इनपुट भी पढ़ लिए और आउटपुट भी पढ़ लिए, तो हम यहाँ पे 2 मिनट का जो है गैप ले लेते हैं। चलिए किसी को कोई दिक्कत है, कुछ सवाल पूछना तो आप इस 2 मिनट में पूछ सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, क्या है अगला टॉपिक हमारा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर से मतलब आपने सुना भी होगा, इसके पहले बहुत बार सुना होगा, इस चीज़ से कोई भी अनजान नहीं है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं और एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा वो सारी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर का मतलब आप जानते ही नहीं, सॉफ्टवेयर मतलब आप जाने होंगे जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज़ है, इनको आपने सबने देखा हो। देखिए वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम है, या फिर आप देख सकते हैं जो एक्सेल है, इन सभी को आपने देखा होगा और उपयोग भी किए होंगे। नहीं भी किए तो आप अपने मोबाइल का उपयोग करते ही नहीं, मोबाइल में आप उपयोग करते हो तो मोबाइल में आपने देखा होगा व्हाट्सअप है, फेसबुक है या अन्य कोई भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होता है कहाँ से, प्ले स्टोर से,
तो डाउनलोड करोगे तभी यूज़ करोगे, इसका मतलब वो भी क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो बिना सॉफ्टवेयर के आपका मोबाइल में काम भी नहीं कर सकते आप, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकते। बस बात ये हो जाती है कि मोबाइल में आप उनको क्या बोल देते हो, ऐप, मोबाइल में क्या बोल देते हो, ऐप, और कंप्यूटर में उनको क्या बोल देते हो, सॉफ्टवेयर। तो ले देखे बात वही आ रही है कि सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन बोल दो या सॉफ्टवेयर बोल दो, काम तो वही कर रहे हैं ना। जैसे मान लो मोबाइल में आपका एंड्रॉयड नहीं है, एंड्रॉयड मतलब समझते हैं कि नहीं, एंड्रॉयड मतलब आपका मोबाइल है, मोबाइल में एंड्रॉयड नहीं आया है, तो आप मोबाइल को क्या करोगे, मोबाइल को ऐसे छू के काम थोड़ी चलाओगे। तो मोबाइल को छू के काम नहीं चलाओगे, उसमें आपको एंड्रॉयड इंस्टॉल करवाना ही पड़ेगा, एंड्रॉयड का वर्ज़न होता है ना। चलिए सभी लोग मुझे बताइए कमेंट में, आप एंड्रॉयड का कौन सा वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल में, सभी लोग बताइए। जो जो मोबाइल देखिए, अभी मोबाइल गुस्सा हो जाएगा, है ना, मोबाइल गुस्सा हो जाएगा, मोबाइल का कौन सा वर्ज़न आप चलाते हैं, जल्दी जल्दी टाइप करके बताइए मुझे, पहले मोबाइल का कौन सा वर्ज़न आप चला रहे हो अपने मोबाइल में, ठीक है, एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड का कौन सा वर्ज़न आप चला रहे हो जल्दी से मुझे टाइप करके बताइए। वेरी गुड, चलिए एंड्रॉयड मतलब आप समझते हैं इसका मतलब, इसलिए मैंने पूछा था। चलिए हम आगे चलते हैं, जो लोग नहीं बता रहे हैं वो समझ लीजिए आधा मरा दिमाग के साथ काम कर रहे हैं ना, मतलब पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको जब भी मैं कोई चीज़ पूछूँ तो आपको फटाफट बताना, नहीं पता तो नहीं पता बोलिए, और अगर पता है तो फटाफट आंसर लिख के भेजिए, पर आपको जिंदा टाइप रहना है, ठीक है, तभी अच्छा लगेगा। क्लास में रहिए, नहीं तो ऐसे सोए हुए टाइप क्लास में नहीं रहना है। मैं दो लोगों को भी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको जो है देखिए GPS का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS का फुल फॉर्म है, आप गूगल में सर्च करके समझ सकते हैं। तो चलिए, अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड नहीं है, मान लो तो एंड्रॉयड नहीं है तो आपके मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू मतलब वैल्यू तो है पर एंड्रॉयड नहीं चलेगा तो मतलब क्या निकला आपके मोबाइल का। तो आपके मोबाइल में एंड्रॉयड आएगा तभी आएगा ना। तो देखिए आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहेगा वो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड डालेंगे तभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपके मोबाइल चालू होगा, और चालू होगा तभी आप व्हाट्सअप है, फेसबुक है, अन्य चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लो अगर एंड्रॉयड नहीं है तो व्हाट्सअप, फेसबुक या अन्य कोई एप्लीकेशन की कोई वैल्यू है क्या, बताइए मुझे, बिल्कुल नहीं है। तो जब तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि हमारे मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तभी तक हमारा मोबाइल कोई काम का है क्या, नहीं है। तो इसलिए उसी प्रकार कंप्यूटर में जब तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तब तक हमारा कंप्यूटर कोई कीमत का नहीं है, यानी कि उसमें काम कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से समझते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए, जिस प्रकार हम काम करते हैं तो हम तो काम कर लेते, पर कंप्यूटर को काम कराने के लिए हमको उसको इंस्ट्रक्शन देना होता है, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन या फिर जो प्रोग्राम है वो देना होता है। तो रोबोट हो गया या कोई कंप्यूटर होगा उसको हम क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, हम जैसे चाय बनाने का स्टेप्स हम किसी को बताते उसी प्रकार हम कंप्यूटर को भी स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा। तो हर एक स्टेप को हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन, हर एक उसको क्या बोलेंगे हम, हर एक स्टेप्स को हम इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। जब भी हम कोई काम करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से तो हम उसको क्या देंगे, स्टेप बाय स्टेप कोई काम करने की प्रोसेस बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे तो उसको क्या बोलेंगे। तो हम देखिए सबसे पहले अगर कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं लाइन बाय लाइन देंगे, और लाइन बाय लाइन दे दिए वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया मतलब कोई ना कोई काम कर रहा, और जब वो कोई ना कोई काम कर रहा है इसका मतलब क्या बन गया, वो बन गया प्रोग्राम। क्या बन गया, प्रोग्राम। इसका मतलब है स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन का जो ग्रुप होता है जो किसी काम को करता है उस ग्रुप को हम बोलेंगे प्रोग्राम, और प्रोग्राम एक से अधिक कलेक्शन बन जाए तो वो बन जाता है सॉफ्टवेयर। उदाहरण के रूप में एक काम करें अपन, मान लो हम एमएस वर्ड में कोई काम करना चाहते हैं फाइंड, और फाइंड करने के लिए हमने इतना सारे इंस्ट्रक्शन लिखे तो वो क्या बन गया, प्रोग्राम। अब एमएस वर्ड का हम उपयोग करें कि नहीं ये बताइए मुझे, एमएस वर्ड का हमने उपयोग करे हैं तो एमएस वर्ड का उपयोग करें तो उसमें क्या क्या हो सकता है बताइए मुझे, फाइंड हो सकता है, गो टू भी हो सकता है, रिप्लेस भी हो सकता है, या बहुत सारे काम उसमें हो सकते हैं। तो एक से अधिक, देखिए फाइंड अपने आप में एक प्रोग्राम है, गो टू अपने आप में एक प्रोग्राम है, रिप्लेस अपने आप में एक प्रोग्राम है, तो एक से अधिक प्रोग्राम कहाँ पर देखने को मिल रहा है, एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड अपने आप में क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर हो गया। तो सॉफ्टवेयर आप समझ गए, प्रोग्राम का कलेक्शन है, ठीक है। आप जब मैं पढ़ाते रहता हूँ तो कोई भी टाइपिंग नहीं करेगा चैटिंग में, जब मैं क्वेश्चन पूछूँ तभी चैटिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी अनावश्यक सवाल नहीं पूछना चैटिंग में, आप पढ़ने आए हो पढ़ो सीधे, ठीक। तो चैटिंग में यहाँ पूछना नहीं है कौन कहाँ से है, एड्रेस वगैरह जो भी है, सीधे पढ़ाई करना है यहाँ पे, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा अभी, ठीक। चलिए, इंस्ट्रक्शन समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप जो हम देते हैं कंप्यूटर को काम करने के स्टेप्स उसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, और अगर वो काम कंप्लीट हो जाए तो उसे वो बन जाता है प्रोग्राम, और प्रोग्राम एक से अधिक हो जाए तो वो बन जाते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम
एक सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप है, पेज मेकर है, कोरल ड्रा अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। चलिए आप हम अधिक जानकारी के लिए आगे और पढ़ते हैं। अब मैं पूछूं कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जैसे मोबाइल में ज़रूरत पड़ती है उसी प्रकार कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले मुख्य बात हो जाती है, कंप्यूटर बंद से चालू करने के लिए हमको सबसे पहले सॉफ्टवेयर लगेगा, तो इसलिए कंप्यूटर को चालू करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत। अगर आपको कोई लेटर टाइप करना तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत, अगर आपको चार्ट बनाना है तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत। ठीक है, चार्ट मतलब वो खाने वाली नहीं, यहाँ चार्ट का मतलब ग्राफ। ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, इससे अधिक और हो जाता है। यानी कि जितने भी आपको काम करना है वो बिना सॉफ्टवेयर के होते हैं कि कंप्यूटर में? बिल्कुल नहीं होते। तो आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर में बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी काम नहीं होगा, यहाँ तक कि कंप्यूटर चालू होने के लिए भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सॉफ्टवेयर के बारे में आप बता सकते हैं कि क्यों होती है ज़रूरत? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इससे आप एक चीज़ समझिए, जैसे हम जीने के लिए क्या है, बेसिक आधारभूत आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, ये पांच चीज़ें होना जरूरी है, वो हमारे लिए हो गए सिस्टम यानी बेसिक। जिस प्रकार कंप्यूटर को चालू होने के लिए सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सिस्टम मतलब एक प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसी प्रकार हमको आधारभूत आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है। फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप डेली चीज़ें रखते हैं, जैसे मोबाइल आपको उपयोग शिक्षा के लिए उपयोग हो रहा है ऐसा मान लेते हैं, पर कुछ दुरुपयोग भी करते हैं, गाड़ी ले लिए, कार ले लिए, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाती है, हमारी ज़रूरत के अनुसार। उसी प्रकार कंप्यूटर में हम हमारी ज़रूरत के अनुसार कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कि लेटर टाइप करना है, चार्ट बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, एक्सेल की सीट बनाना है, कुछ भी बनाना, तो वो हो जाते हैं हमारी ज़रूरत। यानी कि ग्राफिक्स एडिट करना है, वीडियो एडिट करना, वो हो जाती है हमारी ज़रूरत। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गए, हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार। दूसरा नेक्स्ट होता है यूटिलिटी, जैसे हमारी बात करें, हम समय समय पर क्या हो जाते हैं भाई, थोड़ा मतलब हमारी मेंटेनेंस स्थिति ख़राब हो जाती है तो हम क्या करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, मेंटेनेंस के लिए हम जो है अपने आप को मैनेज करते हैं, तो उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, यूटिलिटीज़ की। उसी प्रकार कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहली बात हो गई क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि बेसिक होते हैं, जिसके मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड और कंप्यूटर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझ पाता, ट्रांसलेटर लगते हैं, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो हमारी ज़रूरत के अनुसार समय समय पर यूज़ होते हैं, उन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन, जैसे कि एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, फोटोशॉप है, पेज मेकर है, कोरल ड्रा है, ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर है, कैमटेसिया है, फिल्मोरा, ये सब क्या है, ज़रूरत के अनुसार। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे वायरस से प्रभावित हो गया हमारा कंप्यूटर तो एंटीवायरस, समय समय पर डिस्क मैनेज करना है तो सिस्टम टूल्स के अंतर्गत हम उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई कि नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आया कि नहीं, मतलब आधारभूत सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, जरूरत के अनुसार एप्लीकेशन, मेंटेनेंस के लिए यूटिलिटी, उसके प्रकार भी आपने देख लिए, थोड़ा सा ओवरव्यू और देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, जैसे विंडोज़ एक्सपी है, विस्टा है, विंडोज़ 7 है, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए लिनक्स है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर विंडोज़ आ जाता, मैक हुआ जाता, iOS आ जाता, ये सब क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का हो सकता है, दूसरा कंप्यूटर का हो सकता है, समझ में आ रहा कि नहीं। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में जाता है, ट्रांसलेटर, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सब है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, लिंकर है, लोडर है, डीबगर है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो करते क्या क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका आधारभूत है, सारी जितनी भी डिवाइसेस है, जितनी भी प्रोसेस है, मेमोरी है, इन सभी को मैनेज करने का काम आपका होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, इसके बाद हम डॉस भी पढ़ेंगे, लिनक्स भी पढ़ेंगे, आप बने रहिए, यहाँ से कोई नहीं जाएगा वापस। ठीक है, ट्रांसलेटर में तीन चीज़ें जाती है, ट्रांसलेटर ओवरव्यू समझ लीजिए। जब मशीन लैंग्वेज में काम होता था 01 में तो हमको ट्रांसलेटर नहीं लगता था, पर एक आ गई हमारी असेंबली लैंग्वेज, क्या आ गई, असेंबली लैंग्वेज आ गई। अब असेंबली लैंग्वेज में कुछ कोड होते थे जो कि शॉर्ट कोड में लिखे जाते थे, जिसे न्यूमेरिक कोड बोलते थे, तो उन कोड को कंप्यूटर नहीं समझ पाता था। यानी असेंबली लैंग्वेज के कोड को कंप्यूटर की भाषा में कौन बदलेगा, असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन भाषा में कौन बदलेगा, असेंबलर। अब कुछ आ गए हाई लेवल लैंग्वेज के कोड, हाई लेवल मतलब हम समझ सकते हैं इंग्लिश भाषा में, तो वो कोड कंप्यूटर नहीं समझेगा तो उस कोड को मशीन भाषा में कौन बदलेगा, कंपाइलर। अब ये करता था एक साथ, यानी थोक रेट में पूरा पेज को कन्वर्ट कर देता था, पर एक एक कोड को यहाँ पे कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कराता था, वो कराता था इंटरप्रेटर। तो दोनों का अपना अपना एक काम है। ठीक है, आगे चलिए इनके बारे में और बता देता हूँ। देखिए, असेंबली लैंग्वेज के कोड को असेंबलर के द्वारा मशीन कोड में बदला जाता था, उसके बाद है हमारे द्वारा लिखी गई कोड यानी सोर्स कोड को मशीन कोड में कौन बदलता था, कंपाइलर। इसके बाद है इंटरप्रेटर क्या करता था, इंटरप्रेटर सोर्स कोड को इंटरप्रेटर के द्वारा एक एक कोड को कन्वर्ट किया जाता था और आउटपुट दे दिया जाता था।
ठीक है। अब इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में दोनों में आप अंतर पढ़ लेना एक बार पीडीएफ में, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, इसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यही बहुत है। चलिए, लिंकर क्या करता है, सोर्स कोड को कंपाइलर के माध्यम से ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड को लिंकर के माध्यम से ई एक्सी कोड में आपको करना क्या रहता है, एग्जीक्यूटेबल हो जाता है, यानी कि बदल नहीं सकते। और इसको बदल मतलब इसको कन्वर्ट कौन करता है, लिंकर। और इसी समय आपको एग्जीक्यूट करना होता है तो लोडर लाइब्रेरी फंक्शंस, लाइब्रेरी फाइल से लोड करने का काम करता है लाइब्रेरी फंक्शंस को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लोडर हमने देख ली, डीबगर, एग्जीक्यूट करते समय एरर आती कि नहीं, तो उस एरर को हटाना पड़ता है, तो इसे बोलते हैं डीबग करना। क्या बोलते हैं, डीबग। और डीबग करने का काम किसका होता है, डीबगर का, और ये प्रोसेस डीबगिंग कहलाती है। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, यानी कि हम अपनी ज़रूरत के अनुसार जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि एमएस ऑफिस है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, पेज मेकर है, इन सभी के बारे में एक लिस्ट देख लेते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड आपने देखा होगा, एक्सेल है, ठीक है, एमएस वर्ड का उपयोग हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, एक्सेल का उपयोग स्प्रेडशीट बनाने के लिए, पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, इन सभी के बारे में अलग से एमएस ऑफिस में आप पूरा डिस्क्राइब अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पर हमको सिर्फ देखना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी कि एमएस एक्सेस के बारे में, उसके बाद एमएस एक्सेस में चार काम होते हैं, ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद है डीटीपी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, सेकेंड सेम में आप जब पढ़ोगे डीटीपी सॉफ्टवेयर, पेज मेकर, फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, ये सब डीटीपी सॉफ्टवेयर है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आप पढ़ोगे, मल्टीमीडिया में आपका साउंड एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, एनिमेशन है, इन सभी सॉफ्टवेयर को आप पढ़ सकते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप टैली देख सकते हो, जो कि ज़रूरत के अनुसार है टैली, ठीक है। इसके अलावा आप वेब ब्राउज़र देख सकते हो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस के लिए जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे कि टेम्परेरी फाइल आपकी स्टोर हो गई तो उसको हटाने का काम करेगा, वायरस आपके कंप्यूटर में आ गए तो उसको हटाने का काम करेगा, डिस्क अनावश्यक फुल हो गई तो उसको हटाने का काम करेगा, तो ये सब कौन करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपको तीन सॉफ्टवेयर बताया मैंने, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो आधारभूत कंप्यूटर को बंद अवस्था से चालू अवस्था में लाते हैं, जिनका काम होता है सारी प्रोसेस को मैनेज करना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो जरूरत के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस है, फोटोशॉप। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो दोनों तीनों सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एक बार। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज तो सबको पता है। अब लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज मतलब क्या होता है, लैंग्वेज मतलब होती है भाषा। लैंग्वेज मतलब क्या होती है, भाषा। भाषा मतलब होता है दो व्यक्ति आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करेंगे, भाषा। यानी भाषा को हम सिंपल बोल सकते हैं, दो व्यक्तियों के मध्य आपस में विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है वो कहलाती है भाषा। पर ये तो व्यक्तियों की बात हो गई, अब बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को हम बिना निर्देश के कोई काम नहीं करा सकते। यानी कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझेगा उस लैंग्वेज को बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। इसी को दूसरी भाषा में हम बोलें तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग मतलब जिसके माध्यम से हम प्रोग्राम करके उसको निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, वो कहलाएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही कंप्यूटर लैंग्वेज बोलेंगे, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर उसको समझ पा रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर समझ पाता है, जिसमें प्रोग्राम करके हम कंप्यूटर को देते हैं। तो देखिए, एक होता है इंस्ट्रक्शन, अभी हमने देखे थे स्टेप बाय स्टेप देते हैं, उससे बनता है प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने की मेथड को प्रोग्रामिंग बोलते हैं, प्रोग्राम लिखने वाले को प्रोग्रामर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और प्रोग्राम ढेर सारे हो गए तो उससे क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर, ये अभी हमने देखे। तो अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग दो कैटेगरी में होती है, कौन कौन से, एक तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज थी जिसे हम समझने में थोड़ी हमें कठिनाई होती थी और कंप्यूटर आसानी समझ जाता था, तो इसलिए उसको बोला जाता लो लेवल। जैसे मशीन लैंग्वेज थी, कंप्यूटर तो पूरी तरीके से समझ जाता था। असेंबली लैंग्वेज हम भी नहीं अच्छे से समझ पाते थे, ना ही कंप्यूटर समझ पाता था। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज थी जो कि हमारी भाषा यानी कि इंग्लिश जैसे ही कुछ कोड लिखे जाते थे जिसे हम समझ पाते थे, जिसमें आपकी थर्ड जीएल यानी थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज आ गई और एक आ गई फोर्थ जीएल यानी कि फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज। तो इनमें हम सब जो है अंतर देखने वाले आगे चल के। चलिए, लो लेवल लैंग्वेज में आपकी मशीन लैंग्वेज आ जाती है और एक असेंबली। अब बताइए मुझे, कोई व्यक्ति है जो इंग्लिश समझता है और आप भी इंग्लिश समझते हैं, तो अब बताइए मुझे बीच में मीडिएटर लगेगा क्या, ट्रांसलेट करने वाला लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति भी वही भाषा समझ रहा है जो हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही स्थिति कब आई थी, ये कंप्यूटर महोदय है, कंप्यूटर महोदय समझते 01,
ये इंसान है मतलब हम, और हम भी समझ पा रहे हैं 01। अब बताइए ट्रांसलेटर लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, हम जो बोल रहे हैं वो समझ पा रहा है। उसके अलावा ये तो 01 हमें से ही समझेगा। अब सिंपल आपको बताना है कि मशीन लैंग्वेज जब हम कोड करेंगे तो कंप्यूटर में ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। परंतु यदि हम उसी कोड को असेंबली लैंग्वेज में कर देते हैं, जैसे कि ये शॉर्ट कोड होता है, नॉब है, ऐड है, सब है, न्यूमोनिक कोड है, ये कोड के माध्यम से हम कोड करेंगे तो कंप्यूटर तो अभी भी 01 समझ रहा ना, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए एक मीडिएटर लगेगा, उस मीडिएटर को बोलेंगे असेंबलर। अभी पीछे पढ़े थे तो असेंबली भाषा के कोड को मशीन भाषा में बदलेगा कौन? असेंबली भाषा के कोड को मशीन में बदलने का काम करेगा असेंबलर, ठीक। चलिए आगे चलिए, अब हाई लेवल लैंग्वेज आई तो हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश यानी कि ह्यूमन रीडेबल कोड लिखेगा। ह्यूमन रीडेबल कोड तो हमारी भाषा में लिखे थे, पर कंप्यूटर महोदय को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा उसको कैसे पता चलेगी। तो यहाँ पे एक कंपाइलर यूज़ होगा और एक होगा इंटरप्रेटर, कंपाइलर यूज़ होगा और एक होगा इंटरप्रेटर, दोनों यहाँ पे यूज़ होंगे। अब क्या क्या करते हैं ये कंपाइलर जो है, एक साथ जैसे 10 इंस्ट्रक्शन लिखे तो एक साथ 01 में कन्वर्ट कर देगा सभी को। पर ये जो इंटरप्रेटर महोदय है ये 10 इंस्ट्रक्शन को 10 बार में, एक इंस्ट्रक्शन ले गया 01 में करा एग्जीक्यूट करा, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन ले गया 01 में करा एग्जीक्यूट करा, तो एक एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करता था कौन? इंटरप्रेटर। जबकि कंपाइलर आपका एक साथ सभी को कंप्लीट कर देता था। इसमें समय कम लगता था और इंटरप्रेटर में ज़्यादा समय लगता था। इसमें शुद्धता कम रहती थी क्योंकि एक साथ करे वाले काम में थोड़ा एरर ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, और इंटरप्रेटर में एरर ढूंढने में थोड़ी आसानी होती क्योंकि हर एक लाइन में वो चेक करता था, ठीक। दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं? दोनों में अंतर आप समझ लेना, मैंने पीछे अंतर भी बताया हूँ। चलिए, कुछ होती थी थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज, कुछ होती थी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज वह होती थी जहाँ पे कीबोर्ड के माध्यम से, किसके माध्यम से? कीबोर्ड के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दिए जाते तो उसे बोलते थे थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है। पर कुछ आ गई आपकी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज, जैसे विजुअल स्टूडियो है, तो उसमें हम जो है क्या कर सकते हैं, देखिए आईडी जो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उसे बोलते हैं फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज। दोनों समझ गए होंगे आप। चलिए यहाँ पे ये देखिए, थर्ड जनरेशन हमने देखे, थर्ड जनरेशन मतलब होती है कंसोल पे काम करना, और फोर्थ जनरेशन का मतलब होता है GUI पे काम करना, ठीक है। दोनों में अंतर आप समझ जाइए, दोनों के फायदे नुकसान आप पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे फोर्ट्रान है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, किसने बनाया, कब बनाई, सब चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना, ये मैं PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको आप जो है एक बार पढ़ लीजिए पूरी लैंग्वेज इसको, ठीक है। बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है, सी लैंग्वेज है, C++, जावा है, एल्गोएल है, कोमल है, ठीक है। इसके बाद RPG है, सी शार्प है, लिस्प है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप एक बार पढ़ लीजिए, सब हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग वाला। अब अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं जो है पढ़ाने वाला हूँ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन पढ़ाने से पहले आपको 2 मिनट का अगर गैप चाहिए तो मुझे बता दीजिए, और नहीं चाहिए तो मैं आगे पढ़ाता हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा क्या, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ तो क्या हो गया ये कम्युनिकेशन, इसका मतलब संचार। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संचार, ठीक है। मतलब दो व्यक्ति आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया वो कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल क्या हो गया? संचार। और संचार मतलब हो गया दो व्यक्ति आपस में अगर बातचीत कर रहे हैं या फिर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो एक प्रकार का कम्युनिकेशन हो गया। पर यहाँ बात हो रही है कम्युनिकेशन किसकी? इंटरनेट की। यानी कि कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? इंटरनेट से, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से जब कम्युनिकेशन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए मुख्य आधारभूत चीज़ें क्या लगेगी? यहाँ देखिए, कम्युनिकेशन के लिए मुख्य रूप से आपके पास में क्या होना चाहिए? तीन चीज़ें मुख्य रूप से होना चाहिए। तीन चीज़ें कौन कौन सी? डिलीवरी होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, टाइमलाइननेस होना चाहिए। मान लो आपने किसी के पास अपनी सूचना भेजा है तो डिलीवरी हो रही नहीं हो रही वो भी ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा, सही रूप से डिलीवरी हो रही वो ध्यान रखना है। तीसरा, समय पर डिलीवरी हो रही वो ध्यान रखना है। ऐसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में भी हमको ये चीज़ें ध्यान रखना होता है, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन में हमको ये चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अब यहाँ ये कंप्यूटर में होगा तो इसके लिए हमको तीन चीज़ें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि क्या कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। कम्युनिकेशन जब करोगे आप तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको? मतलब आप सामने वाले को कब कुछ भेजना चाहोगे? जब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ रहेगा, इसका मतलब आपके दिमाग में मैसेज रहेगा। क्या रहेगा? मैसेज। यानी कि कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा तभी आप भेजना चाहोगे। तो सबसे पहली बात होती है मैसेज, दूसरा होता है भेजने वाला यानी कि आप खुद जब भेज रहे हो तो सेंडर होना ज़रूरी है। तीसरा होता है किस माध्यम से भेज रहे हो और किसको भेज रहे हैं रिसीवर, वो भी पता होना चाहिए।
अब जब आप भेज रहे हो तो सही रूप में जाए भी, तो उसके लिए एक नियम लगता है, उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो ये पांच चीज़ें मुख्य रूप से होना जरूरी है, तभी आपका कम्युनिकेशन सफल हो पाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब समझ रहे हैं, संचार यानी कि एक व्यक्ति से सूचना है दूसरे व्यक्ति तक जा रही, इसका मतलब क्या है वो कम्युनिकेशन, यानी कि मैसेज भी होना चाहिए, सेंडर भी होना चाहिए, रिसीवर भी माध्यम होना चाहिए, और उसके बाद प्रोटोकॉल होना चाहिए। जैसे सेंडर रिसीवर तो आप समझ गए, एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला, मैसेज आपने समझ गए, माध्यम आप इंटरनेट समझ जाओ, प्रोटोकॉल आप जो है बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं इंटरनेट वाले टॉपिक में आप पढ़ोगे बाद में। ठीक है, तो ये पांचों चीज़ें आपको समझ में आएगी, इसे इन्हें बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स तत्व इस प्रकार से, या कंपोनेंट्स हम इनको बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, कम्युनिकेशन के तीन प्रकार होते हैं जिन्हें हम यहाँ देख पा रहे हैं। एक तो होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मैं बताता हूँ, जैसे आप कहीं हाईवे में चलते हो, हाईवे में चले हैं तो आप एक साइड चलते हो वन वे, यानी कि जाने के लिए होती है, कोई रास्ता होता है जो सिर्फ जाने के लिए होता है, ओवर ब्रिज या जो भी है ब्रिज आपने देखा होगा कहीं से आप गुजरे होंगे, तो वहाँ से आप जाएंगे तो सिर्फ जाने के लिए रास्ता होता है, और दूसरी तरफ रास्ता होगी सिर्फ आने के लिए, इसका मतलब क्या है वो सिंगल वे, यानी कि एक तरफ ही जा सकते हैं। दूसरा आपने देखा होगा एक छोटी, मान लो ये जो है ये आपकी सड़क है, सिर्फ जाने के लिए यूज़ हो रही है, सिर्फ जाने के लिए यूज़ हो रही है, आने के लिए यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, पर एक सड़क है इस प्रकार से, और यहाँ से ये छोटी हो गई, ठीक है ये, और इधर से ये बड़ी हो गई। अब बताइए मुझे, एक गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी इतनी चौड़ी है कि जितने चौड़ा रास्ता है, वो यहाँ आ जाएगी तभी आप जाओगे ना, इसका मतलब है एक समय में दोनों जा सकते हैं क्या? देखिए, जाने आने की दोनों की व्यवस्था है, पर कब तक नहीं जा सकते, जब तक कि इस पुल में कोई गाड़ी है, इस पुल में कोई गाड़ी रहेगी तब तक आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, टक्कर हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं। और एक और आपने देखा होगा जहाँ पे जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, तो आपने तीन चीज़ें देखा है, एक तरफ जाना, दूसरे में दोनों तरफ जाना पर एक टाइम में एक ही तरफ, तीसरे में आपको एक ही समय में दोनों तरफ। तो यहाँ सिंप्लेक्स का मतलब होता है वन वे, वन वे मतलब सिंप्लेक्स मतलब आप समझ जाओ, जैसे आप घर में टीवी देखते हो, रेडियो सुनते कि नहीं सुनते हो, तो अगर टीवी और रेडियो की बात करें तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें बदली हुई, जैसे देखो टीवी में कोई प्रोग्राम चल रहा है तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि ये प्रोग्राम बंद कर दो दूसरा चालू करो, इसमें आप चैनल बदल सकते हो पर प्रोग्राम बदलना पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सैटेलाइट से टीवी तक आ रहा है, कि टीवी से उधर जा रहा है नहीं, सैटेलाइट से टीवी तक आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स किसको बोलेंगे, वॉकी टॉकी देखा आपने, पुलिस वालों के पास रहता है वॉकी टॉकी, जिसमें एक समय में सिर्फ आवाज़ आती है या फिर उसमें स्विच रहता है बोलने का, तो बोलने के लिए आप चालू करोगे सुनाई नहीं देगा, बोलने के लिए चालू करोगे तो उसमें सुनाई नहीं देगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जैसे वो बोलने के लिए चालू करेंगे तो वो सुनाई देना बंद हो जाएगा, यानी कि एक समय में सिर्फ आवाज़ आ रही है या फिर आवाज़ जा रही है, तो इस प्रकार की डिवाइस को बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। कंप्यूटर में समझें, जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो आप सेव नहीं कर सकते, और जब आप सेव कर रहे होते तो टाइप नहीं कर सकते, मतलब कंप्यूटर में डाटा मतलब हम एक्सेस करते हैं तो हम उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते, जब ट्रांसमिट करते तो एक्सेस नहीं कर सकते, दोनों काम। फुल डुप्लेक्स में आप समझ सकते हैं, फुल डुप्लेक्स कैसे, मोबाइल आप देखिए, मोबाइल में आप जो है हेलो करके कोई आपको गाली दे रहा है तो आप तुरंत उसकी गाली का रिप्लाई कर सकते हैं, ऐसी रास्ता नहीं देखते कि पूरी गाली दे दे और उसके बाद मैं गाली देना चालू करूंगा, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, यानी कि फुल डुप्लेक्स क्या होगा, एक समय में डाटा आ भी सकता है और डाटा जा भी सकता है। हाफ डुप्लेक्स में एक समय में डाटा सिर्फ आ सकता है या फिर सिर्फ जा सकता है, दोनों दिशा में। उसके बाद है यहाँ पर सिंप्लेक्स में क्या होता है, एक तरफ ही डाटा जाएगा, तो आप उदाहरण समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ एक सिंप्लेक्स में एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है, समझा दिया मैंने, टीवी का उदाहरण देखा, ठीक है। दूसरी चीज़, हाफ डुप्लेक्स में कंप्यूटर में डाटा जा रहा है डाटा आ रहा है, दोनों में से कोई एक हो सकता है एक समय में, परंतु रिसीव भी किया जा रहा है ट्रांसमिट भी किया जा रहा है एक समय में, मान लो आपको कोई कुछ बोल रहा है, लड़ाई कर रहा है फ़ोन पे, तो आप साथ साथ में उससे लड़ाई कर सकते हो, रास्ता नहीं देखते कि चुप होगा तब हम कुछ बोलेंगे, तो ऐसे कंप्यूटर में भी होता है, डाटा ले जा भी सकते ला भी सकते एक साथ, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं फुल डुप्लेक्स, एक समय में एक को बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स, और एक समय में सिर्फ जा मतलब एक ही दिशा में जाएगा, जाएगा ही बस वो है, मतलब हमको रिसीव बस होगा, तो इसलिए बोलते हैं उसको सिंप्लेक्स। तीनों चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, एक तो सीरियल होता है और एक होता है क्या होता है पैरेलल। सीरियल मतलब जैसे एक दरवाज़ा है छोटा, दरवाजे से एक एक व्यक्ति आ रहा है, पर एक मेन गेट बोल दे बड़ा गेट कॉलेज का जो भी है यूनिवर्सिटी का, उस गेट में से एक साथ बहुत सारे आ सकते हैं, तो बताइए मुझे ज़्यादा व्यक्ति किसमें से आ सकते हैं एक साथ? बिल्कुल यहाँ पे पैरेलल में आ सकते हैं, परंतु एक छोटे गेट में एक एक करके आ सकते हैं, तो एक एक करके जिसमें आएंगे उसे बोलेंगे सीरियल, क्रम से एक एक करके, पर एक साथ जिसमें आ जाएंगे उसे बोलेंगे पैरेलल। तो कंप्यूटर में जब डाटा भेजा जाता है तो 0101 एक एक बिट करके भेजा जाएगा, इसका मतलब वो क्या है सीरियल,
और जब एक साथ 8 बिट एक साथ भेजी जाएगी तो 8 तार लग रहे हैं यहाँ पे, 8 तार एक साथ यहाँ पे चले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो पैरेलल है। तो दोनों समझ में आया, सीरियल मतलब क्रम अनुसार एक एक बिट, और एक साथ सभी बिट भेज दिए मतलब क्या हो गई, वो पैरेलल। तो ज़्यादा खर्चा किस में आएगा, ज़्यादा खर्चा इसमें आएगा, कम खर्चा इसमें आएगा, क्योंकि ये देर से पहुँचाएगी और ये जल्दी जल्दी पहुँचा दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए आगे चलें। ये आप एक बार पढ़ लेना, इसमें भी एक होता है सीरियल में भी, देखिए ग्रुप बनाकर चलना, इसे असिंक्रोनस बोलते हैं, और जिसमें ग्रुप नहीं बना होता उसे सिंक्रोनस बोलते हैं, दोनों आप एक बार पढ़ लेना। नेटवर्क केबल की बात करें, जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, डाटा एक जगह दूसरी जगह जाएगा, कैसे जाएगा, कोई ना कोई वायर लगेगी। वायर 3 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होती है कोएक्सियल, एक होती है ऑप्टिकल फाइबर। तो ट्विस्टेड पेयर केबल समझते हैं, ये इस प्रकार की वायर आपने सभी ने देखा होगा अपने घरों में, ठीक है, इस प्रकार से होती है, या फिर इस प्रकार गुच्छे में होती है, एक से अधिक वायर यहाँ पे होते हैं। तो जब दो दो इस प्रकार से प्लस माइनस चलते हैं, इसे बोलते हैं ट्विस्टेड, ठीक है। ट्विस्टेड में अनसील्ड वाली ये हो गई और सील्ड वाली ये हो गई। इसके प्रकार इसी प्रकार जो होते हैं कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल आप डिश टीवी अपने घर में, डिश सेटअप बॉक्स होगा सभी के घर में, सभी के घर में सेटअप बॉक्स होगा तो उसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार की केबल यूज़ होती है। नेटवर्क में भी इस प्रकार की यूज़ होती है, तो इसे बोलते हैं कोएक्सियल केबल। जैसे मेटल होता है यहाँ पर, कौन सा एक प्रकार से कॉपर वायर होता है, फिर प्लास्टिक की कोटिंग, फिर उसके बाद सिल्वर कलर, और यहाँ पे एल्यूमिनियम का तार, यानी कि प्लस माइनस दो होते हैं और ऊपर से ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, तो इसे बोलते हैं कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट होती है फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि लेटेस्ट वर्तमान में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ हो रही है, और फुल एक प्रकार से हम बोल सकते हैं उसको क्या, मतलब आंतरिक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जैसे डायमंड में होता है, उसी प्रकार इसमें डाटा ट्रांसमिट होता है। तो देखिए कोर होता है, क्लैडिंग होती है, उसके बाद देखिए कोटिंग होती है, कोटिंग के बाद स्ट्रेंथ मेंबर होता है, आउटर जैकेट होती है, इतनी सारी सुरक्षा होती है, तब तो जमीन पर गड़े रहने के बाद भी कुछ नहीं होता उनको सालों साल। तो जियो का नेटवर्क आप देख सकते हैं, फाइबर केबल हो गई है, समुद्र के अंदर आप फाइबर केबल देख सकते होंगे। तो फाइबर केबल काफ़ी महंगी होती है और डाटा ट्रांसमिट करने की स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है, मतलब काफ़ी किफ़ायती होती है। ठीक है, तीनों केबल समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं, कोएक्सियल केबल के आप एग्जांपल पढ़ लेना, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, उसके स्टैंडर्ड पढ़ लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर के लाभ पढ़ लीजिए, पूरी नोट्स में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब जान लेते हैं हम कुछ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। देखिए आप जब मार्केट जाते हो तो कुछ ना कुछ खरीदने जाओगे, तो खरीदने जा रहे तो आप कौन होगा उसके लिए, क्लाइंट, और वो आपके लिए क्या हो गया, सर्वर। इसका मतलब कंप्यूटर में भी, जिस कंप्यूटर में डाटा स्टोर है उस कंप्यूटर से हम कोई ना कोई डाटा मांग रहे हैं, तो मांगने वाला हो गया क्लाइंट। ये देखिए मोबाइल हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, किसके थ्रू मांग रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू, और किससे मांग रहे हैं, एक ऐसे कंप्यूटर से जिसके पास सारे डाटा उपलब्ध है, तो इस कंप्यूटर को बोलेंगे सर्वर। तो इससे जो नेटवर्क बनेगा या आर्किटेक्चर बनेगा उसे बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब क्लाइंट की कुछ प्रोसेस होती है, इसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है और जो डाटा सर्वर से आया उसको हमारे डिस्प्ले या ब्राउज़र में कुछ में भी दिखा सकता है, ये काम हो गया क्लाइंट का, सर्वर का काम हो गया जिस क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई है उसकी रिक्वेस्ट को सर्च करना, रिस्पांस के रूप में उसको भेजना जिससे आई है, ये काम हो गया किसका, सर्वर का। तो ये सबके काम हो सकते हैं, इन काम को आप एक बार पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे बताया हूँ क्लाइंट प्रोसेस, क्लाइंट की क्या क्या प्रोसेस होती है, ठीक है, उसके बाद सर्वर की क्या प्रोसेस होती है वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो 2 टायर होता है और एक होता है 3 टायर। 2 टायर का मतलब होता है जिसमें मीडिएटर नहीं होता, यानी कि एक क्लाइंट होता है और एक डेटाबेस होता है, ठीक है, परंतु 3 टायर में आप देखोगे क्लाइंट होता है, बीच में सर्वर होता है और एक डेटाबेस होता है, मतलब सर्वर अपने डेटाबेस को कहीं और रखे रखता है और जब रिक्वेस्ट आती है तो डेटाबेस से सर्च करके रिस्पॉन्स करता है, तो इस प्रकार से वो हो गया 3 टायर। पर ये डायरेक्ट डेटाबेस से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जैसे मान लो हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाए .net में, bisb.net में डाटा एंटर करें, फट से जाकर डेटाबेस में सेव हो गया, डाटा रिट्राइव करें, डाटाबेस से अपने पास आ गया, तो वो हो गया 2 टायर। पर इंटरनेट में जब आप यूज़ करते हैं उसका, तो वो हो गया आपका 3 टायर। इसका मतलब आपसे सिंपल पूछा जाएगा 3 टायर कहाँ यूज़ होता है, इंटरनेट में, और 2 टायर कहाँ होता है, ऑफलाइन विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन में, ठीक है, दोनों आप समझ गए होंगे। अब जानते हैं हम नेटवर्क के बारे में, तो नेटवर्क है क्या, नेटवर्क का मतलब एक प्रकार का जाल। तो हम उदाहरण देते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, ये 2 कंप्यूटर है, दोनों कंप्यूटर सेपरेट है, पर इनको किसी केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाए। अब जोड़ेंगे क्यों, कोई ना कोई मतलब तो होगा, ठीक है, तो मतलब होगा डाटा ट्रांसमिशन, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जब डाटा ट्रांसमिट किया जाता है तो वो हो गया हमारा डाटा ट्रांसफ़र करना। तो 2 कंप्यूटर आपस में किसी निश्चित उद्देश्य, यानी कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जब आपस में जुड़ते हैं तो उस स्थिति को बोलते हैं नेटवर्क, यानी कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना किसके लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, तो उसे बोलते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ये आप एक बार पढ़ लेना।
देखिए यहाँ पे नेटवर्क आपके तीन प्रकार के होते हैं, और उस नेटवर्क के पहले भी आपको क्या देखने को मिलेगा, उस नेटवर्क के पहले भी आपको देखने को मिलेगा दो प्रकार के नेटवर्क। कौन कौन से? देखिए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है, यानी कि एक सर्वर होता है और बाकी सब क्लाइंट होते हैं। और पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई क्लाइंट कोई सर्वर नहीं होता, सब आपस में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ कोई सर्वर नहीं है, तो इस प्रकार बोलेंगे पी टू पी नेटवर्क। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं, एक लैन होता है, एक मैन होता है और वैन होता है। ओवरव्यू समझिए इसका। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस हो, कोई कॉलेज का कैंपस हो, कोई बिल्डिंग हो, या घरों में इस प्रकार के ऑफिस में इस प्रकार के नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, मतलब छोटे स्तर पर, ठीक है। और इनकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, क्योंकि ये एक जगह तक सीमित रहते हैं, एक बिल्डिंग एक कमरे तक, ठीक है, एक से अधिक कंप्यूटर। उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ती है किसकी? मैन की, मतलब एक प्रकार से नेक्स्ट नेटवर्क। तो पहले हम लैन के कुछ ज़रूरत की चीज़ें देख लेते हैं, जैसे लैन को कनेक्ट करने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें बोलते हैं कंपोनेंट्स। यानी लैन को कनेक्ट करने के लिए किन किन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है? तो एक तो हो गया नेटवर्क एडाप्टर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क मीडिया हो सकती है। नेटवर्क मीडिया मतलब ये जो केबल है कनेक्ट करने के लिए, केबल कनेक्टर हो सकता है, पावर सप्लाई आप देख सकते हैं, हब ये वाला, और इन सभी को मेंटेन करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम NOS बोलते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। वायरलेस लैन भी हो सकता है, बिना वायर के एक ऑफिस को कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर को, सर्वर को और लैपटॉप वगैरह को, ठीक है। अब बात करते हैं MAN की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब एक महानगर में जो नेटवर्क काम करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आप देखिए, मान लीजिए कोई मेन ब्रांच है कोई कंपनी की, और वो मेन शहर के बीचों बीच में है, और शहर के चारों कोने में उसकी सब ब्रांच है, तो पूरे नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क कनेक्ट होगा कि नहीं पूरे शहर में, तो इस प्रकार का नेटवर्क हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आप सेट टॉप बॉक्स चलाते होंगे घर पे, तो डिश टीवी का जो नेटवर्क होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है? MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, एक शहर तक सीमित रहता है। और लैन जो होता है, एक ऑफिस, एक बिल्डिंग, एक कॉलेज तक सीमित रहता है, ठीक। चलिए यहाँ नेक्स्ट हम देख सकते हैं वैन। पूरे विश्व में जिस नेटवर्क की जो यूज़ होता है, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है, वैन कहलाता है। जैसे इंटरनेट आप देखे होंगे, इंटरनेट में यहाँ बैठा व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से तुरंत संपर्क स्थापित कर सकता है, इसलिए ये नेटवर्क कहाँ रहता है? पूरे विश्व में, इसलिए इसे बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े स्तर का नेटवर्क। इसमें हजारों लाखों की संख्या में मैन और लैन शामिल होते हैं। लैन भी शामिल होता है इसमें और मैन भी शामिल होता है। दोनों चीज़ें कहाँ शामिल होती है? वैन में शामिल होती है। चलिए आगे चलते हैं। फीचर्स पढ़ लेना आप एक बार। अब होता है एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि कंपनी का कोई भी व्यक्ति कहीं बैठकर ऐसा फील करता है कि वो ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, उसे बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे उसके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा तो वो मोबाइल में यूज़ कर सकता है, घर में यूज़ कर सकता उसका, यानी कि घर में बैठकर यूज़ कर सकता है और किसी ब्रांच में जाकर उसका यूज़ कर सकता है। पर कंपनी को फील होगा कि ये जो नेटवर्क है हमारे एम्प्लॉय के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, इसलिए वो प्राइवेट, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आभास होता है, इसलिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है। अब मोड्स पढ़ लेना VPN। अब मॉडेम की टेक्नोलॉजी पढ़िए। देखिए एक क्वेश्चन आता है डिजिटल सिग्नल को, एनालॉग में कन्वर्ट करने की क्या विधि है? या एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने की क्या विधि है, ये आपको समझाना है। तो उसके लिए आपको मॉडेम को समझाना जरूरी है। तो मॉडेम क्या होता है? इंटरनेट आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर भी है सभी जानते हैं ये वाला, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर 01 समझता है ये भी पता है, और जो इंटरनेट से मॉडेम तक स्थिति होती है वो होती है एनालॉग की। क्या होती है? एनालॉग की, ठीक है। एनालॉग सिग्नल होते हैं और इधर भी क्या होंगे? एनालॉग। मान लीजिए ये आप सेंडर हो, मतलब भेजने वाले हो, जब आप भेज रहे हो तो आप क्या होगे? सेंडर। और आप 01 में डाटा को टाइप करोगे और भेजोगे, 01 में कहाँ जाएगा? पर एनालॉग में जाना है तो 01 वाला एनालॉग में तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो लाइन में, फोन लाइन जो होती है, तो मॉडेम के द्वारा इस 01 को एनालॉग में करा जाता है। इसे बोला जाता है, इस टेक्निक को मॉड्यूलेशन। क्या बोला जाता है? मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन के माध्यम से क्या हो गया? एनालॉग में कन्वर्ट हो गया, इंटरनेट के माध्यम से इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में यहां तक आ गया, पर ये कंप्यूटर अब 01 समझेगा। तो इस मॉडेम के द्वारा इस एनालॉग को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? डिजिटल में किया जाएगा, एनालॉग को डिजिटल में किया जाएगा। तो इस टेक्निक को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। क्या बोला जाता है? डीमॉड्यूलेशन। तो अब बताइए मुझे, मॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल से एनालॉग, डीमॉड्यूलेशन मतलब एनालॉग से डिजिटल, दोनों प्रक्रिया से मिलकर क्या बना है? मॉडेम। तो मॉडेम आप समझ गए, ऐसी डिवाइस जो कि एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है, उस डिवाइस को बोलते हैं मॉडेम।
तो आप मॉडेम की कार्यविधि समझ गए, इसके बारे में आप विस्तार से नीचे लिख सकते हैं जितना भी आया आंसर उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मॉडेम के कुछ प्रकार होते हैं, देखिए एक्सटर्नल मॉडेम होता है, इंटरनल मॉडेम होता है, फैक्स जो फोटोकॉपी आती है उसके लिए भी एक मॉडेम होता है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी जान लेते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद फिर टोपोलॉजी, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे डॉस और लिनक्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। इस प्रकार आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, किस किस प्रकार से हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं उसे बोलते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो हम देख सकते हैं डायल करके यूज़ कर सकते हैं, ISDN डिजिटल माध्यम से सारे डाटा को भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लीज लाइन होती है, जैसे कोई बैंक के सर्वर, मतलब बैंक का कोई इंटरनेट है वो अपने ले लेता है। VSAT होता है, ब्रॉडबैंड होता है, वायरलेस होता है, USB मॉडेम होता है। चलिए थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं सबके बारे में। डायलअप कनेक्शन क्या होता है, मतलब इंटरनेट के द्वारा एक फ़ोन नंबर डायल करने के लिए दे दिया जाएगा। जब भी हमको इंटरनेट यूज़ करना है तो हमको टेलीफोन लाइन से उसको डायल करना होगा, और डायल करने के बाद इंटरनेट की रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी और फिर वापस आएगी तो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चालू हो जाएगा। इसको बोलते हैं डायलअप कनेक्शन। दूसरी चीज़ होती है, इसके बारे में आप पढ़ लेना यहाँ पर डायलअप के बारे में, ठीक है, सारी चीज़ें लिखी हुई है नोट्स में। लीज लाइन होती है, लीज लाइन का मतलब पट्टे पे, पट्टे पे लेना, मतलब हमने किराए के लिए, किराए से ले लिया इंटरनेट एक महीने साल भर के लिए, उस इंटरनेट को बोलते हैं लीज लाइन, ठीक है। 24 घंटे उपलब्ध रहती है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं रहता समस्या कि बंद हो गया, सर्वर स्लो हो गया। ISDN, देखिए मॉडेम के बदले में ISDN अडाप्टर यूज़ हो रहा है, और यहाँ से डिजिटल वीडियो सारे प्रकार के डाटा एक समय में भेज सकते हैं, ठीक है, डिजिटल सिग्नल के माध्यम से। नेक्स्ट है, हम देख सकते हैं DSL, DSL ब्रॉडबैंड का ही एक अगला रूप था, जो कि देखिए मॉडेम के माध्यम से टेलीफोन लाइन, मॉडेम के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट होता था, ठीक है, एक बार आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है रेडियो फ्रिक्वेंसी, देखिए वायरलेस के माध्यम से इंटरनेट यहाँ पर ट्रांसमिट और रिसीव हो रहा है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी एक प्रकार से, जिस प्रकार से DSL यूज़ होता था वैसे ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ हो सकता है। VSAT में इस प्रकार से सैटेलाइट के माध्यम से ट्रांसमीटर और रिसीवर के माध्यम से इस प्रकार का जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। और VSAT में आप देख सकते हैं ये रिमोट कंट्रोल एरिया, मतलब जैसे पहाड़ी एरिया में जहाँ लाइन बिछाना संभव नहीं है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। USB मॉडेम आप देख सकते हैं, जहाँ पर इंटरनेट नहीं है तो इसमें सिम अटैच होती है तो इसको हम USB के द्वारा कनेक्ट कर लेते हैं और इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे रिलायंस, एयरटेल, अन्य कंपनी हमको देखने को मिलती है। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं नेटवर्क के, जैसे मॉडेम हमने समझ लिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को समझते हैं। तो देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, इस प्रकार से इंटरनल होता है और ये एक्सटर्नल होता है, ठीक है, ये केबल के माध्यम से इसमें कनेक्ट किया जाता है ताकि इंटरनेट का यूज़ हम कर सकें, ईथरनेट केबल। एक होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस प्रकार हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही सारे काम जो है मेंटेन किए जाते हैं, जैसे कि किसी एप्लीकेशन को मेंटेन करना, डिस्क ड्राइव को मेंटेन करना, माउस को, प्रिंटर को, कीबोर्ड को, मॉनिटर को, ठीक। आगे चलिए ईथरनेट हब, एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो इस प्रकार के हब की जरूरत पड़ती है, इसे बोलते हैं ईथरनेट हब, ठीक है, और इसी से स्टार टोपोलॉजी बनती है। ब्रिज, और ब्रिज मतलब वो ऐसा ही मॉडल की डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिज एक ऐसा नेटवर्किंग अवयव है जो नेटवर्क को विभाजित करता है, यानी कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने का काम ये करता है, ठीक है। अच्छा, एक ही प्रोटोकॉल वाले होते हैं, मतलब अलग अलग नेटवर्क एक ही प्रोटोकॉल वाले जो होते हैं उसको जोड़ने का काम कौन करेगा, ब्रिज करेगा। जैसे देखिए दो रास्तों को जोड़ने का काम कौन करेगा, ब्रिज करेगा, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पर लेयर को समझ लीजिए, इन लेयर को बोलते हैं OSI, ठीक है। अब OSI का फुल फॉर्म आपको बताना है गूगल सर्च करके। चलिए आगे चलिए, यहाँ पे सबसे पहले होती फिजिकल लेयर, यानी कि हम कुछ टाइप करेंगे, फिजिकल मतलब सिंपल सी बात, कंप्यूटर है वो फिजिकल लेयर है। उसके बाद हम डाटा लिंक केबल के माध्यम से दूसरे में कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर में, वो भी एक प्रकार की फिजिकल लेयर है। उसके बाद है फिजिकल मतलब हार्डवेयर लेयर है, और नेटवर्क बनेगा वो भी एक प्रकार का हार्डवेयर है, पर इस नेटवर्क के माध्यम से हम कहाँ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो सेशन लेयर सामने जो है, सेशन लेयर होती कितनी देर में एक्सपायर होना है, मतलब एक प्रकार से लॉगिन को कितनी देर रखना है और प्रेजेंट कैसे करना है, ये भी एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर लेयर होगी, और एप्लीकेशन जो कि कोई एप्लीकेशन में दिखाता, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, OSI मॉडल, यानी कि तीन सॉफ्टवेयर लेयर होती है, तीन हार्डवेयर लेयर होती है, और बीच में कनेक्टिंग के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, इसलिए हार्ट ऑफ OSI किसको बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को बोला जाता है। स्विच होता है, ये भी एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, इससे स्टार टोपोलॉजी बनती है। राउटर जो होता है सिग्नल्स, मतलब एक प्रकार से नेटवर्क में सिग्नल्स को रूट यानी रास्ता बताने का काम करता है, इसलिए इसको राउटर बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं गेटवे, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग लेयर, मतलब अलग अलग प्रोटोकॉल को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। मान लीजिए ये जो है आपका अलग प्रोटोकॉल या अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाला नेटवर्क है,
और ये आपका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाला नेटवर्क है, दोनों को आपस में कनेक्ट कौन करेगा, गेटवे करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी जानते हैं और उसके बाद हम डॉस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और फिर लिनक्स के बारे में। तो देखिए टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब हम दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं उससे जो स्ट्रक्चर बनता है, अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, नेटवर्क के, उन्हें बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी मुख्य रूप से 6 या 7 हो सकती है, ठीक है, 6 होती मुख्य रूप से, जैसे हम यहाँ एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए टोपोलॉजी कितनी होती है, मुख्य रूप से 6, जैसे रिंग टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेज टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी, और इसके बाद हाइब्रिड, मतलब सबको मिला जुला दिया जाए एक साथ तो हाइब्रिड हो गई। तो एक सिंपल देख लेते हैं, जैसे देखिए बस टोपोलॉजी आप समझ लीजिए, एक मेन लाइन है यहाँ पे बीच में, इसे बोलते हैं बैकबोन, और बैकबोन से जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हैं उनके बीच में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। मान लीजिए ये बैकबोन ख़राब हो गई तो क्या होगा, डाटा ट्रांसमिट होना बंद, इस प्रकार ये बस टोपोलॉजी काम करती है, ठीक है। सबसे सस्ती होती है परंतु दिक्कत भी हो सकती है। उसके बाद बस टोपोलॉजी के लाभ हानि आप एक बार पढ़ लेना, फिर हो गए स्टार, स्टार का मतलब हो गया बीच में मीडिएटर यानी कि हब का उपयोग हो रहा है और उस हब से सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, तो इस स्टार की स्ट्रक्चर टाइप की दिख रही कि नहीं, तो इसलिए इसे बोला जाता था स्टार टोपोलॉजी। अब एक अगली आती है रिंग टोपोलॉजी, एक कंप्यूटर आपस में देखिए आसपास सभी जुड़े हैं, जैसे डाटा इस स्थिति में ट्रांसमिट हो रहा है एक दिशा में, मान लो ये कंप्यूटर को हम खराब कर दें या खराब हो जाता है तो डाटा ट्रांसमिट होना बंद, फेल, तो उसी को सॉल्व करने के लिए एक अगली टोपोलॉजी आई जिसका नाम था मेज टोपोलॉजी, यानी कि ये रिंग के माध्यम से हम आपस में कनेक्ट कर दिए, खर्चा ज़्यादा हो गया परंतु हर कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, तो इस टोपोलॉजी को क्या बोला गया, मेज टोपोलॉजी, ठीक है, लाभ हानि इसके पढ़ सकते हैं आप। फिर आगे ट्री टोपोलॉजी एक रूट है, रूट के सब रूट आप देख सकते हैं, उसके बाद फिर यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये हो गई ट्री टोपोलॉजी, यानी कि एक रूट हो गया, अन्य सब रूट, सब रूट के बाद क्लाइंट नोड हो गए, इन सबको आपस में क्या बोलते हैं, नोड, हर एक कंप्यूटर को अपने आप में नोड। पर मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सभी को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जैसे एक बस टोपोलॉजी हो गई, एक रिंग टोपोलॉजी हो गई, एक स्टार हो गई, सब आपस में कनेक्ट हो गए, यानी कि एक से अधिक टोपोलॉजी के गुणधर्म हो गए, इसका मतलब क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी, तो हमने यहाँ पे टोपोलॉजी के बारे में जाना है, ठीक है। कौन कौन सी टोपोलॉजी देखी हमने, एक तो देखे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेज टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। चलिए यहाँ पे हमारा फंडामेंटल के अंतर्गत जो बेसिक चीज़ें हैं सभी कंप्लीट हो चुकी है, अब हमारा जो बचा है वो डॉस बचा है, ठीक है। तो डॉस पढ़ने से पहले 2 मिनट का रेस्ट ले लेते, आपके दिमाग में कोई डाउट होगा आप मुझे बता दीजिए, ताकि हम जो है शुरू करने से पहले उन डाउट को क्लियर कर दें। चलिए बताइए फटाफट, उसके बाद हम डॉस पढ़ेंगे। डॉस आप देख सकते हैं आपके फंडामेंटल का ही पार्ट है, तो डॉस हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। देखिए डॉस का मतलब क्या होता है, डॉस हमने अभी देखे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि पहले यूज़ किया जाता था, पहले मतलब जब विंडोज़ नहीं बना था उसके पहले यूज़ किया जाता था डॉस। डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डिस्क मतलब समझ रहे हैं आप, डिस्क मतलब एक मेमोरी, यानी कि मेमोरी को मैनेज करने के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था उसे बोला जाता था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का पूरा नाम, ठीक है, जो कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था। अब देखिए मैं डॉस का एक चेहरा दिखा देता हूँ आपको, डॉस कहाँ यूज़ होता है, तो देखिए आपको जाना है स्टार्ट में CMD लिखना है, और CMD लिखने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, इसको आपको एंटर करना है। तो आपको जो इस प्रकार का जो इंटरफेस दिख रहा है ये ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक की जगह दूसरा भी हो सकता है, परंतु ले देखे वो कमांड बेस्ड ही काम करता है। कमांड का मतलब होता है जब आप टाइप करते हो तभी वो काम करेगा, अन्यथा वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो कि CUI है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। चलिए अब डॉस के बारे में हम और समझ लेते हैं। डॉस एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होगा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, देखिए यूजर है, यूजर और जो हमारे हार्डवेयर है उनके बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये चीज़ तो पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क भी हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज़ में बार बार नहीं पढ़ाता है, PDF मैं आपको दे दूंगा, आप एक बार पढ़ लीजिए, तो उससे क्या होगा आपके लिए भी टास्क हो जाएगा। अब पूरा मैं खिला दूंगा मुंह में तो आपका शरीर करेगा क्या फिर, तो आपके लिए भी तो कोई टास्क बचना चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमने इसके पहले सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं। चलिए अब फाइल एट्रीब्यूट हम पढ़ लेते हैं, मतलब कोई भी फाइल हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, नाम होता है, नाम के बाद उसका एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन के बाद उसकी लोकेशन होती है जहाँ वो सेव होती है, उसका साइज़ होता है कितना साइज़ का, उसको हमने सिक्योर किए कि नहीं, ये चीज़ होती है। तो देखिए यहाँ नेम मतलब क्या होता, नेम मतलब हम जो है देखिए
नेम मतलब आप समझ सकते कि नहीं? नेम मतलब होता है एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि क्या, मान लो कोई क्या है हमारा एक फाइल है, और फाइल का हमने क्या दे दिए, नाम। मान लो हमने नाम दे दिए SSW, SSW क्या दे दिए, नाम। ठीक है, चलिए यहाँ देते हैं हम SSW, SSW क्या हो गया, फाइल का नाम हो गया। फाइल के नाम के साथ में हमने जोड़ दिए .jpg या फिर PNG या फिर .doc, ये क्या हो गया उसका एक्सटेंशन। लोकेशन जहाँ वो सेव है, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है या अन्य कोई जगह सेव है, उसको क्या बोल दिया हमने, उसका लोकेशन। कितने साइज है उसकी, मतलब जैसे 20 KB में है, 50 KB में है, ये क्या हो गई उसकी साइज। अब इस फाइल को हमने प्रोटेक्ट किए कि नहीं, पासवर्ड डाल के, वो हो गया उसका प्रोटेक्शन। ये सारे एट्रीब्यूट किसके हो गए, फाइल के। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइल के एट्रीब्यूट को समझाइए, तो आप इन सभी एट्रीब्यूट को समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। फाइल ऑपरेशन, फाइल में आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब जब आपने फाइल बनाए होंगे एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, कहीं भी, तो उस फाइल को आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, राइटिंग आ फाइल, फाइल में वो डाटा आप राइट कर सकते हो, क्रिएट करने के बाद आप डाटा राइट करोगे नहीं, टाइप करके आप सेव करोगे। ठीक है, रीड बाद में सेव, बाद में आप उसको पढ़ सकते हो। एक फाइल को कॉपी करके कहीं और ले जा सकते हो, एक फाइल को मूव कर सकते हो यानी कि कट करके कहीं और ले जा सकते हो, अब जब जरूरत ना हो तो डिलीट कर सकते हो। सारे ऑपरेशन किस में हो रहा है, फाइल में, ये चीज़ आपको पता है पहले ही से। ठीक है, चलिए आगे चले। फाइल सिस्टम के कुछ प्रकार होते हैं। REFS होता है जिसे रीसाइलेंस फाइल सिस्टम बोलते हैं, NTFS बोलते हैं, NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल होती है, FAT मतलब फाइल एलोकेशन टेबल, XFAT मतलब एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये फाइल सिस्टम कहाँ उपयोग होते हैं आप समझ लीजिए, जब हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं ना, तो उसमें इनमें से कोई ना कोई एक सिस्टम को हमको अप्लाई करना होता है। तो पहले होता था FAT फाइल एलोकेशन टेबल, और अभी होता है NTFS यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। बस इतना ध्यान रखिए, और इनके फुल फॉर्म और थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में समझ लेना, पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद है देखिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब डॉस। डॉस के बारे में देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोला जाता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम था जब हमारे पास में विंडोज नहीं था। और यहाँ देखिए 1984 में इंटेल 80 मतलब 80286 प्रोसेसर के लिए, माइक्रो जो कंप्यूटर है उसके लिए इसका विकास किया गया था। फिर डॉस 3.0 आया, डॉस 4.0 आया, धीरे धीरे जो है वर्जन बढ़ते गए। ये तो कोई हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप यहाँ वर्जन देख लेना, 1.0, 1.25, 2.0, इस प्रकार से वर्जन ये बढ़ते गए। उसके बाद देखिए लास्ट वर्जन हमको कहाँ देखने को मिलता है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, देखिए लास्ट वर्जन जो है 7.1 है, जो कि 1997, क्योंकि उसके बाद डॉस को अपग्रेड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अभी हम ज़्यादातर विंडोज़ यूज़ करते हैं, ज़्यादातर क्या पूरा विंडोज़ ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम अगर डॉस को यूज़ करने लगे तो हम जो है विंडोज़ ही यूज़ नहीं कर पाते, हम डॉस कैसे यूज़ करेंगे। तो डॉस मैंने बताया, कैरेक्टर यानी टाइप करके ही आप निर्देश दे सकते हैं, आप कैसे दे निर्देश नहीं दे सकते, क्लिक करके, इसका मतलब डॉस में माउस उपयोग नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क फिजिकल स्ट्रक्चर, तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपने पढ़ा है कहाँ पे, सेकेंडरी मतलब जो हमारी मेमोरी होती है उसमें पढ़ा है, तो आप इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए, फ्लॉपी डिस्क वही चीज़ है। उसके बाद देखिए हार्ड डिस्क के बारे में भी आपने पढ़ा है, फिजिकल स्ट्रक्चर इसका, तो आप इसके बारे में भी एक बार पढ़ सकते हैं यहाँ पे। साथ ही आप देखिए सिस्टम एरिया, ये बूट रिकॉर्ड फैट, ये सारी चीज़ें आप जो है समझ लीजिए। एक चीज़ मैं समझाता हूँ यहाँ पे, बूट रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपका डाटा सी ड्राइव में स्टोर है, सी ड्राइव में यूज़र है, यूज़र के बाद आपका डाटा कहीं SSW कोई फाइल में रखा है, तो यहाँ पे ये जो अपने आप में जो दिख रहा है ये क्या है, फोल्डर है। क्या है ये? फोल्डर। परंतु इसको डॉस की भाषा में डायरेक्टरी बोला जाता है। किसको? SSW अपने आप में एक डायरेक्टरी है, यूज़र अपने आप में एक डायरेक्टरी है, और सी भी अपने आप में एक डायरेक्टरी है। तो मुझे बताइए मेन डायरेक्टरी कौन सी है? मेन डायरेक्टरी आपको ये वाली देखने को मिलेगी, सी, रूट डायरेक्टरी। और ये सब डायरेक्टरी है, कौन सी है? सब डायरेक्टरी। चलिए आगे चलते हैं। रूट डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी में अंतर आपको ध्यान रखना है। तो देखिए डॉस प्रॉम्प्ट मैंने दिखाया यहाँ पे, ये देखिए रूट डायरेक्टरी है, फिर सब डायरेक्टरी यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो रूट डायरेक्टरी में हम उपयोग करके देखेंगे अभी। डॉस कमांड मैं थोड़ा बहुत उपयोग करके दिखाऊंगा, बाकी चीज़ें आप उपयोग करके देख लेना, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। चलिए डॉस प्रॉम्प्ट में ड्राइव नेम मतलब ए पहले आता था फ्लॉपी के लिए, अब आता है हार्ड डिस्क के लिए सी। ठीक है, सी से शुरू होता है। ए और बी जो होता है, आप आता क्यों नहीं है यहाँ पे, आपको पता चल गया होगा, ए और बी फ्लॉपी के लिए होता था। ए और बी फ्लॉपी के लिए होता था, किसके लिए होता था? फ्लॉपी, जो सेकेंडरी डिस्क आती थी। पर हार्ड डिस्क कहाँ से शुरू होती थी? सी से। सी से लेकर आगे तक आप कितने पार्टीशन बना रहे उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइड रहती है। ठीक है,
अब इसके अलावा बूटिंग प्रोसेस आपको सबको पता होगी। बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग मतलब होता है जब आप कंप्यूटर की बटन को स्विच ऑन करते हो और वो ऑन होते रहता है, कुछ प्रोसेसिंग चलती है और आपको स्क्रीन दिख जाती है डेस्कटॉप। तो बटन ऑन करने से लेके स्क्रीन दिखने तक की जो प्रोसेस है, इसका मतलब वो कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रोसेस पूछ रहा सीधे सीधे। तो उसी स्टार्ट होने प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूटिंग। यानी कंप्यूटर स्टार्ट होने वाली जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे बूटिंग। और बूटिंग के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे पोस्ट पोस्ट मैंने बताया था, पावर ऑन जो है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी जैसे हम पावर ऑन करते हैं सेल्फ टेस्ट, यानी कि सारी डिवाइसेस को चेक करेगा सही है, कनेक्ट है कि नहीं, काम कर रहे कि नहीं, सारी चीज़ें। उसके बाद बूट रिकॉर्ड को चेक करेगा, डॉस कर्नेल होता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेगा, कुछ फाइल एग्जीक्यूट होगी जैसे command.com, auto.exe.bat और डॉस प्रॉम्प्ट हमारे सामने आ जाएगा। मतलब डॉस प्रॉम्प्ट मतलब ये जो डॉस दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन पे आ जाता था तो इसको क्या बोलते थे? स्टार्ट होना। यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट आ गए, इसका मतलब बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो बूटिंग प्रोसेस आ गई होगी समझ में, कंप्यूटर के स्टार्ट होने वाली प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। यानी कि पावर ऑन से लेकर कमांड प्रॉम्प्ट दिखने तक की प्रोसेस क्या कहलाती है? बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ों को आपको एक बार पढ़ना है, जब मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें एक बार पढ़ना है। अब बूटिंग के दो प्रकार होते हैं, ये चीज़ भी आपको पता है। एक तो कोल्ड बूटिंग होती है और एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है जब पूरी तरीके से बंद है कंप्यूटर और अगर हम शुरुआत में स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय जो बूटिंग होगी उसे बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। परंतु जब हम कंप्यूटर को चलते चलते में रीस्टार्ट बटन प्रेस करते हैं और रीस्टार्ट करके स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब वो हो गई आपकी वार्म बूटिंग, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कोल्ड बूटिंग स्विच ऑन करते हैं और जब यहाँ देखिए वार्म बूटिंग होती है, तो वार्म बूटिंग के समय आप देख सकते हैं एमएस डॉस में msdos.sys, io.sys और command.com इनका होना अति आवश्यक है। तीनों फाइल एग्जीक्यूट होती है तभी वार्म बूटिंग यहाँ पे हो पाती है। चलिए आगे चलें। सिस्टम फाइल होती है, सिस्टम फाइल में आप io.sys पढ़ सकते हैं, ms.sys पढ़ सकते हैं, command.com, इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। डॉस की फाइल है, ठीक है। चलिए, कमांड्स ऑफ डॉस। जब भी हम डॉस में काम करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ निर्देश देना होता है, उन निर्देश को हम बोलेंगे कमांड। क्या बोलेंगे? कमांड। तो देखिए यहाँ पे कमांड मतलब होता है, एक इंटरनल कमांड होती है और एक होती है एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड वह कमांड होती है जो कि डॉस के साथ में इनबिल्ट होती है, यानी कि हमको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, और एक्सटर्नल कमांड वो होती है जिनको डॉस में अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि सिस्टम में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इंटरनल कमांड जान लेते हैं। इंटरनल कमांड जो साथ में मौजूद होती है, जैसे कि आप MD बताया था मैंने, DIR, CD, कॉपी, टाइप, रीनेम, इनका उपयोग करके देखेंगे हम अभी, और कुछ होती है एक्सटर्नल कमांड। चलिए एक दो उपयोग करके बताता हूँ, उसके बाद हम जो है बाकी की चीज़ें जो है आप खुद उपयोग करके देखना। तो हम सबसे पहले तो CMD स्टार्ट करते हैं। CMD स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। चलिए यहाँ पर मैं जो है क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल सबको दिखाई देगा इतने बड़े में। तो देखिए हमारी रूट डायरेक्टरी आ रही, डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हम जो है डी लिखते हैं, कॉलन लिखते हैं इस प्रकार से। देखिए अब हम कहाँ पहुँच गए? डी में। और यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? MD और फोल्डर का नाम, यानी कि डायरेक्टरी का नाम लिखना होता है। तो MD के बाद हम क्या लिखेंगे? डायरेक्टरी का नाम, जैसे हमने लिख दिया SSW और एंटर करें। अब मान लो हमको DIR करना है, तो DIR करने के बाद SSW देखिए जरा कहाँ बनी है, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ अभी टाइमिंग के साथ में SSW दिख रही है, दिख रही है। अब हम उस हमने DIR करके पूरी लिस्ट देख ली। DIR मतलब समझ गया आप, डायरेक्टरी की लिस्ट देखना। MD मतलब समझ गया डायरेक्टरी को बनाना। एक होती है CD, CD मतलब होती है डायरेक्टरी को चेंज करना। तो SSW के अंतर्गत जाना हमको, तो देखिए CD लिखे, SSW लिखे, यानी कि चेंज डायरेक्टरी के बाद किस डायरेक्टरी में जाना वो हमने लिख दिए और यहाँ SSW में हम पहुँच गए। फिर हम इसमें भी डायरेक्टरी बना सकते हैं, तो MD करके हम बना लेते हैं, जैसे हमने बना दिए PG के नाम से। तो आप DIR करके देखोगे तो देखिए PG नाम से जो है एक डायरेक्टरी आपको नजर आएगी, देखिए दिख रही PG, उसके अंदर जाना तो फिर CD कर सकते हैं, और वापस आना तो CD डॉट डॉट करके हम वापस आ सकते हैं, वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है, थ्योरी पार्ट में। अब मान लीजिए एक फाइल बनाना है तो कॉपी कौन कर सकते हैं, कॉपी कौन करके हम फाइल बनाएंगे, फाइल बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन भी देंगे, तो my.txt इस प्रकार बना सकते हैं। देखिए हमारे सामने कर्सर आ गया। अब कर्सर में हम जो है कुछ भी टाइप करें, जैसे मान लो हमने पूरा टाइप कर दिया सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, ये हमने टाइप कर दिए, और टाइप करने के बाद हम कंट्रोल जेड दबाएंगे। कंट्रोल जेड दबाने के बाद देखिए फाइल हमारी जो है सेव हो चुकी है, मतलब कॉपी कौन से फाइल क्रिएट होती है और कंट्रोल जेड से सेव होती है।
पर यदि इस फाइल को देखना तो टाइप कमांड करके हमको my.txt इस प्रकार से देखना पड़ेगा जब वो कंटेंट हमको देखेगा। पर यदि नॉर्मल आपको फाइल देखना तो dir कर दीजिए, नॉर्मल फाइल देखना देखिए 30 KB की बनी, 30 बाइट की बनी है यहाँ पे my.txt, ठीक है। तो कौन कौन सी कमांड हो गई हमारी, dir, md, cd, copycon, type, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आप डिलीट कमांड, del कमांड करेंगे तो देखिए सिंटेक्स एरर क्यों दिखा रहा है। del कमांड के बाद आपको फाइल का नाम भी देना होता है my.txt, ये देखिए डिलीट हो गई। अब dir करेंगे तो माय आपकी नहीं देखेगी। उसके अलावा rd, मतलब एक हम बनाते क्या rd बनाए, rd बनाने के बाद मतलब rd मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्टरी को हटाना, तो डिलीट मतलब होता है फाइल को हटाना, rd मतलब होता है डायरेक्टरी को हटाना। तो rd में हम करेंगे pg, फाइल का डायरेक्टरी का नाम देंगे कि नहीं, pg जैसे करें तो देखिए एग्जीक्यूट हो गया। और dir करेंगे तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी नहीं देखेगी, इसका मतलब हमने डायरेक्टरी को हटाना भी देख लिया। उसके बाद कुछ डेट वाली कमांड होती है, कुछ होती है टाइम वाली कमांड, ठीक है, तो आप नीचे देख सकते हैं डेट टाइम। एक और होती है पाथ वाली कमांड, ठीक है, पाथ देखेगा। उसके बाद कुछ और होती है, ठीक, जो हमारे लिए मतलब एक प्रकार से काम करती है। एक होती है cls कमांड, cls मतलब पूरी स्क्रीन क्लियर करना। एक होती है एग्जिट कमांड, तो एग्जिट से डॉट डॉस एग्जिट हो जाएगा। एक होती है ट्री कमांड, जो कि एक्सटर्नल कमांड होती है, ट्री में सब फोल्डर्स नहीं है बोल रहा वो, जब हम बाहर जाएंगे तो जैसे हमने cd करके डॉट डॉट करे तो हम बाहर चले जाते हैं, और यहाँ अगर ट्री चलाते हैं तो देखिए ट्री में बहुत सारी कमांड यहाँ पर चल जाती है, ठीक है। फॉर्मेट होती है, डिस्क कॉपी होती है, कॉपी होती है, बहुत सारी कमांड होती है, तो इन कमांड को इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्री कमांड के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे दिया है। चलिए ये तो बात हो गई हमारी बेसिक, हमने कमांड रन करके देख लिए। अब देखिए यहाँ पे आगे जो है dir कमांड हमने देखे थे डायरेक्टरी की लिस्ट दिखाने का काम करता है, और इसको टाइप करने मतलब लाने के लिए सी में रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत आपको dir करना है और एंटर की प्रेस करना है। तो देखिए इस प्रकार से dir abc देख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी की लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद md की अगर बात करें तो md में मेक डायरेक्टरी होता है इसका पूरा नाम, और md लिखने के बाद कोई डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे और एंटर करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी डायरेक्टरी बन जाएगी, ठीक। उसके बाद cd से एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना, यानी कि चेंज डायरेक्टरी कर सकते हैं। कैसे, cd लिखे डायरेक्टरी का नाम लिखे तो हम चेंज करके यहाँ पे अंदर आ जाते हैं, वापस आना है डॉट डॉट करें वापस आ सकते हैं। जैसे कि अभी देखे डॉट डॉट लिखे वापस आके इसमें चले गए हैं, जैसे अभी मैंने बताया था। rd में रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को रिमूव करना है, यानी कि rd लिखे डायरेक्टरी का नाम लिखे, आपको सिंटेक्स और एग्जांपल दोनों लिखना है। सिंटेक्स किसे बोलते हैं, जो प्रारूप होता है, जैसे ये देखिए यहाँ लिखा है rd dir ने और एग्जांपल ये वाला है। इसके अलावा cls मतलब क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए cls उपयोग होता है। जैसे ये सिंटेक्स हो गया और वही इस प्रकार से एग्जांपल हो गए, ऐसे में आपके नंबर सही रहेंगे। कॉपी कमांड में क्या होगा, देखिए कॉपी फाइल का नाम और न्यू नेम, मतलब एक प्रकार से जो पाथ है पुराना और टारगेट पाथ, पुराना एड्रेस से कहाँ पेस्ट करना है वो एड्रेस, दो एड्रेस देना होता है और उसके पहले कॉपी लिखना होता है। जैसे कॉपी abc और xyz में उसको कॉपी करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमको एड्रेस देना होता है। इसके अलावा कॉपी कौन, मैंने बताया था फाइल को क्रिएट करने का काम करता है। फाइल को क्रिएट करना मतलब भाई जब आप कॉपी कौन लिखोगे, फाइल का नाम इस प्रकार से लिखोगे और कुछ लिखोगे और उसके बाद कंट्रोल जेड करोगे तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। टाइप कमांड से इसको देखने का काम होता है, dir से पूरा कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं अपन, del से मतलब फाइल को डिलीट करना, ठीक, अभी देखे थे फाइल को रीनेम करना, तो ren कमांड पुराना फाइल नेम और नया फाइल नेम इस प्रकार आप लिख सकते हैं। उसके बाद डेट कमांड अभी देखे हमने, टाइम कमांड डेट और टाइम दोनों को देखने और चेंज करने, var वर्जन देखने के लिए डॉस का, पाथ कमांड पाथ देखने के लिए काम आती है, चेंज ड्राइव हमने देखे अभी चेंज ड्राइव नेम करना, एग्जिट से डॉस एग्जिट हो जाता है, और प्रॉम्प्ट से आप जो है प्रॉम्प्ट देख सकते हैं डॉस का। तो ये कुछ बेसिक इंटरनल कमांड 14-15 कमांड है, इनको आप ध्यान में रख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन आए तो आप बता सके। कुछ एक्सटर्नल कमांड भी आपको ध्यान में रखना होगा ताकि एग्जाम में आप हल कर पाए। तो ऐसे देखिए छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कि फ्लॉपी डिस्क अथवा हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं, मतलब इनको अलग से इंस्टॉल करना होता है। जैसे कि फॉर्मेट कमांड है, प्रिंट कमांड, बैकअप कमांड, हेल्प कमांड, डिस्क कमांड, डॉस की कमांड, ट्री कमांड, ट्री हमने उपयोग करे थे अभी, ठीक है, चेक डिस्क भी हम उपयोग कर सकते हैं, CHK, DSK, तो ये सब हो गई आपकी एक्सटर्नल कमांड। तो एक बार आप ओवरव्यू देख लेते। लेवल कमांड होती है देखिए ड्राइव का लेवल जानने के लिए, उसके बाद देखिए आप इसके ट्री कमांड होती है पूरा ट्री स्ट्रक्चर, इसके सिंटेक्स और जो एग्जाम्पल वो आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, लिख के देख लेना तो आपको जो है याद हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल कमांड हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर CHK, DSK हार्ड डिस्क को चेक करने के लिए। ये देखिए यहाँ देख सकते हैं प्रिंट कमांड प्रिंट करने के लिए होता है,
इसके अलावा डॉस कॉपी कमांड होता है। इसके साथ ही आप डिस्क कॉम्प है यानी कि कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद है सिस कमांड होती है, सिस्टम के लिए हेल्प कमांड होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड है, एट्रिव कमांड है, बैकअप कमांड है, इसके अलावा एडिट कमांड है, मूव है, फॉर्मेट है, साथ ही एफ डिस कमांड है, ठीक है। उसके अलावा पार्टीशन डिलीट करने के लिए यहाँ पे होती है या पार्टीशन को क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखिए लॉजिकल एक्सटेंड पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन, इस प्रकार से हम जो ड्राइव है उसके पार्टीशन को क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्ट कमांड सॉर्टिंग करने काम करती है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने देख ली है। कुछ देखिए एक चीज़ और देखने को मिलती है आपको, फ्री और ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। फ्री सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, ओपन सोर्स में हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और कोड भी चेंज कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी में भाई कुछ दिन तक हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो जो है क्या करता है, लाइसेंस की मांग करने लगता है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए आप यूज़ करते फ्री, देखिए ये सारी चीज़ आप फ्री उपयोग करते हैं ओपन सोर्स, ठीक है। ओपन सोर्स ये वाला हो गया हमारा लिनक्स। चलिए स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर आप एक बार पढ़ लेना, सब थ्योरी पार्ट है ये, ठीक है। डॉस हो गए एक बार और थोड़ा सा लिनक्स देख लेते ताकि आपका जो है सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। जैसे लिनक्स की बात करें हम, चलिए लिनक्स में थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैं। लिनक्स भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप इसके बारे में एक बार पढ़ लेना। देखिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करके लिनक्स सिस्टम यहाँ बनाया गया, ओपन सोर्स है, फ्री अवेलेबल है। यूनिक्स के जो सारे प्रोग्राम है वो यहाँ चल सकते हैं, ठीक है, आसानी से कस्टमाइज हो सकता है और रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। रिलायबल का मतलब आप समझते कि नहीं, रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद। इसका मतलब है विंडोज़ से ज़्यादा सिक्योरिटी आपको लिनक्स में देखने को मिलेगी। लिनक्स भी लिनक्स टोरवाल्ड्स ने बनाया था, इसकी हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, कब बनाया था कैसा बनाया था एक बार पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कंपोनेंट्स देख सकते हैं, देखिए सिस्टम यूटिलिटी होता है, लिनक्स का कर्नल होता है जो कि उसका दिमाग होता है, मेन चीज़ होती है, और सिस्टम लाइब्रेरी होती है। इन सभी के अनुसार लिनक्स आपका काम करता है, ठीक है। फीचर्स देख लेना, लिनक्स पोर्टेबल है, ठीक है। लिनक्स मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग मतलब एक से अधिक काम और एक से अधिक यूज़र उसमें काम कर सकता है। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सर्विस उसमें देखने को मिलेगी, मल्टीटास्किंग है। वर्चुअल मेमोरी होती है, लिनक्स ओपन है यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं, कोड चेंज कर सकते हैं और उसको अपलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा लिनक्स के फाइल का स्ट्रक्चर आप एक बार देख लेना। देखिए GNU कंपाइलर क्या होता है, ये सब आपके पढ़ने की चीज़ है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लिनक्स एप्लीकेशन, लिनक्स रन टाइम एनवायरनमेंट, उसके बाद बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, जैसे विंडोज़ के वर्जन होते हैं वैसे ही लिनक्स के भी, जैसे डेबियन, GNU लिनक्स, फेडोरा है, जेंटू है, मेंडार्क है, रेड हैट है, स्टैक है, सस है, ये सब लिनक्स के वर्जन है। मतलब यदि आप लिनक्स चलाना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी वर्जन आप उपयोग कर सकते हैं, हालांकि हम विंडोज़ चलाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है जब आप लिनक्स चलाना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद लिनक्स की स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज आप देख सकते हैं यहाँ पर। कुछ कमांड मैं बता देता हूँ आपको लिनक्स की, जैसे लिनक्स की कमांड .bc। अब bc कमांड क्या करेगी, देखिए कैलकुलेट करने का, बेसिक कैलकुलेशन, मतलब दो वैल्यू को आपस में जोड़ना। तो देखिए डॉलर साइन से इसकी कमांड शुरू होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं bc कमांड। कैल कमांड होती है, कैलेंडर डिस्प्ले करने का काम करती है। कैट कमांड है, देखिए इसका काम होता है कॉपी कॉन जैसे होती थी डॉस में, वैसे ही जो होती है कैट कमांड होती है फाइल को क्रिएट करने के लिए। cp कमांड होती है, ये कॉपी करने का काम करती है सोर्स से डेस्टिनेशन में। साथ ही आप देखें cd चेंज डायरेक्टरी होती है, जैसे डॉस में उपयोग होती थी। चेंज ग्रुप, देखिए जैसे मान लीजिए कोई यूज़र है, यूज़र के ओनरशिप को चेंज करना है तो उसके लिए होती है ch ग्रुप कमांड। उसका ch मोड यानी कि मोड को चेंज करना है। हु मतलब कौन सा यूज़र वर्तमान में उपलब्ध है उसके लिए कमांड है। साथ ही आप देख सकते हैं और अन्य कमांड। तो यहाँ पे हमने जो है डॉस और लिनक्स के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया है। पेपर कैसे सॉल्व करना है वो देखा कि नहीं, उस वीडियो की लिंक भी मैं जो है आपको दे दूंगा, तो उसको आप देख लीजिए एक बार, पेपर कैसे सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ऑनलाइन चलते हैं हम, यहाँ स्क्रीन पे देखिए सभी लोग, यहाँ देखिए आपको चैनल में जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको जो है मेरे नाम का ही चैनल है, आपको ध्यान देना इस बात पे। देखिए मेरे नाम से चैनल है अरविंद टिप्स, देखिए सभी लोग जाइए वहाँ पे, मतलब आप अगर देख रहे हैं तो इस चैनल में सभी लोग जाइए और इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए पहले, ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद
आपको आगे की इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इसमें देखने को मिलेगी। देखिए दोनों चैनल आपके लिए काम के हैं, दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। काफ़ी फायदे की चीज़ है, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगेगा पर आपके लिए फ़ायदा बहुत हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग इस चैनल में जाइए अरविंद टिप्स के नाम से, ठीक है, और इसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए अभी पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर, यानी कि पेपर कैसे सॉल्व करिए वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप सभी लोग देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और आगे की जो भी चीज़ें हैं वो आपको इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, और ख़ुद भी सब्सक्राइब करके रख लें और इस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।